एवढं उभं राहून आपण विचारमिने करायचंय. पिचवर कृपया उभं राहू नका. सोनादेवी टिमगर हा संघ क्षेत्ररक्षणासाठी तयार आहे. व्यासपीठावर विराजमान सर्व सन्मान्य पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आज दोन सेमीफायनल आणि तीन फायनल असा आजचा हा रविवारचा जबरदस्त फुल एन्जॉईंग डे आहे आमदार चषक 2018 चा. मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय संजयभाई म्हात्रे. उपस्थित सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. थोड्याच वेळात आपण पहिला सेमीफायनलचा सामना आणि टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण स्वागत करणार आहोत. पहिली सलामीची जोडी मैदानात उतरत आहे आणि पहिला सलामीचा सामना सोनादेवी टेमगर आणि बी इंडियन. उपस्थित तमाम रसिक प्रेक्षकांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आमदार चषक 2018 लाईव्ह प्रेक्षेपणाच्या माध्यमातून क्रिकेटचा मनमुराद आनंद घेणाऱ्या भिवंडीतील तमाम रसिकांना आजच्या फिनालेच्या डेनिमित्त मनपूर्वक हार्दिक निमंत्रण आहे की आपण छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर येऊन या क्रिकेटचा आनंद घेऊ शकता. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद रवींद्र तरे सर. तर मित्रांनो, आपण पाहत आता क्रिकेट क्रीडांग महेंद्र स्पोर्ट्स के संघ आमदार चषिका 2018 मध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचा हे शेवटच्या दिवशी हार्दिक स्वागत आहे. शहरी गटाचा पहिला सेमीफायनल सामना सुरू होतोय. शहरी गटामध्ये अंतिम विजय संघास रोख 1,50,000 रुपये, उपअंतिम विजय संघास रोख 75,000 आणि उप उपांत्य दोन्ही संघास प्रत्येकी 25,000 रुपये. आणि मॅन ऑफ द सिरीज आहे इरफान भाई यांच्याकडून देण्यात आलेली सुंदर मोटार सायकल. पाहूया आमदार चषक 2018 चा भिवंडी शहरी गटातील पहिला सेमीफायनल सामना सोनादेवी टेमगर आणि बी इंडियन. ओर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद तरे सर. तर वैयक्तिक पहिलं सांगित पहिलं षटक आदलण्यासाठी कुमार येतोय सोनादेवी टेमघर या संघाकडून. सलामी जोडी मैदानात बी इंडियन संघाकडून आपण बघतोय स्ट्रायकर मतीना आणि नॉ स्ट्राईकला जावेद. दूरवर फैलवलेलं क्षेत्ररक्षण, दोन क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलमध्ये तैनात केलेले आहेत. पहिला चेंडू भिरकवून दिलेला आहे चेंडूला शिमार शिवाय षटकार. पहिल्या चेंडूला खणखणीत षटकार पेश करतो फलंदाज मतीन आणि षटकाराने बी इंडियन संघाचा अकाउंट ओपन होत आहे. अतिशय उत्कृष्ट सुरुवात आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूचा खास खरपूस समाचार घेतला. लॉर फुलटा चेंडू होता, चेंडूला मिड विकेटच्या वरून फिरकावून दिला होता फलंदाज मतीन याने. यावेळी कमबॅक करतोय, फुटवरचा वापर करताना दिसला नव्हता फलंदाज. जागून खेळण्याचा प्रयत्न अयशस्वी ठरतोय. निर्धाव चेंडू समाप्ती. पहिला सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय बी इंडियन विरुद्ध सोनादेवी टेमगर या दोन फलाटी संघामध्ये. यावेळी आडव्या बॅटने चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट हेलून काढला जातोय. डिफ साईडला चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक धाव पूर्ण करतो फलंदाज मतीने. एका धावीने पोचतो आपल्या वैयक्तिक 7 या धावसंख्येवर. बी इंडियन संघाची धावसंख्या होती 7.
आमदार चषक 2018 हा शेवटचा दिवस मित्रांनो आपण पाहत आहोत. अतिशय उत्कृष्ट स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळालं आहे. क्रिकेट किरण महेंद्र स्पोर्ट्स किसंग पुन्हा एकदा आमदार चषक 2018 मध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचा आमदार सन्माने रुपेश म्हात्रे साहेब नगरसेवक सन्माने संजयभाई म्हात्रे साहेब यांच्याकडून हार्दिक स्वागत आहे. फ्रंटलाईन गोलंदाज कुमार ज्याने बालाजी चषकामध्ये अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आता होती, दोन षटकं आता होती, सहा फलंदाज बाद केले, त्यांनी फक्त सहा धावा दिल्या होत्या. बेस्ट बॉलिंग फिगर यंदाच्या अंगामधील दोन नंबरची बेस्ट बॉलिंग फिगर आपण पाहतोय कुमार याच्या नावावर. यावेळी अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, अतिशय उत्कृष्ट चेंडूच्या हाताने निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते. कमबॅक केलेलं आहे पहिल्या चेंडूवर, खराब चेंडूच्या हाताने केल्यानंतर नंतरच्या चेंडूवर कमबॅक करताना दिसतोय आपण कुमार हा गोलंदाज. आणि हे अनुभव गोलंदाजी निशाणे असते. कुमार वाईड व्यापी डाईज करून वालताना यावेळी हो एवढा या आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये अतिशय उत्कृष्ट फॉलो थ्रूचा वापर, बॉटमॅनचा चांगला वापर केला होता फलंदाजाने. चेंडू बॅटला लागला होता त्याच्यावर मोर उमटली होती षटकाराची. या इनिंग मधील दुसरा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय जावेद ह्याच्या बॅट मधून, आणि पहिला षटकार मतीन याने झळकला होता. धावसंख्या वेगाने वाढवत होती 13. हे पाहू शकता रिप्ले मध्ये थोडासा सफर क्रॉसही झाला होता, इस्टेनच्या बाहेर आला होता. उत्कृष्ट टायमिंग आणि ताकद दोन्हींचा चांगला संगम, चेंडू बॅटला लागला होता आणि सीमारेषा बाहेर दिसला होता. पहिला सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय आमदार चषक 2018 मधील. दिनेश चौधरी फॅम टीम सोनदेव टेमघर विरुद्ध हबीब अन्सारी फॅम टीम बी अँड एन. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. कुमार व्यापी डाईज करून वालताना सामना करेल पुन्हा एकदा फलंदाज जावेद. यावेळी अंतिम क्षणी इरादा चेंज केलेला आहे. कवरच्या दिशेने चेंडू हलक्या हाताने केवळ टोलवला होता फलंदाज जावेद याने. चेंडूच्या मॅरिटनुसार यावेळी खेळताना दिसला होता फलंदाज. अशा प्रकारे एका धावीने पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर बेंडेना संघाची धावसंख्या झालेली आहे ती बिनबाद 14. आमदार चषक 2018 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आदरणीय पप्पू अन्सारी साहेब आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे. टिमगरचे समाजसेवक गोरखनाथजी म्हात्रे आणि इम्रान सर आपलं हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम. स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलरीमध्ये खचाखच भरलेले रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत, त्याचबरोबर आर के पाटील स्टँडमध्ये उपस्थित सर्व भिवंडीतील रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत आहे. शिवसेना सचिव दिलीपजी नाईक आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. वसीमजी अन्सारी आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम. शिवसेना उपविभाग प्रमुख नरेश म्हात्रे, सुभाष म्हात्रे, फोकसमॅन हरेश पाटील, विशाल पाटील आपलं सुद्धा हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद तरे सर. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बी इंडियन संघाची धावसंख्या आपण पाहतोय बिनबाद 14. एक चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते, कारण पहिल्या षटकामध्ये कोणताही फलंदाज बाद झालेला नाही. बिंडियन संघाने 2015 आणि 2016 आमदार चषक जिंकण्याचा रेकॉर्ड केला होता. 2015 जयदुर्गा बी भादवड संघाला पराभूत केलं होतं आणि 2016 नाना स्पोर्ट्स टेमघर संघाला पराभूत करून या चषकावर नाव कोळलं होतं. दोन आमदार चषकाचा हा विजेता संघ आपण पाहतो बिंडियन यंदाच्या वर्षी नंबर 1 रँक करत आहे. सर्वाधिक 6 चषक या संघाने जिंकलेले आहेत. तब्बल 9 अंतिम फेरीत धडक मारलेली आहे. अतिशय उत्कृष्ट परफॉर्मन्स या संघाचं राहिलेलं आहे. त्यामध्ये 6 हा संघ विजेता ठरलेला आहे आणि 3 हा संघ रनर्स अर्थात उपविजेता ठरलेला आहे. अतिशय उत्कृष्ट परफॉर्मन्स जर यंदाच्या अंगामध्ये विचार केला तर विंड याने या संघाने केलेला आहे. रिवर्स फटका मात्र क्षेत्ररक्षक शॉर्ट थनमॅनला दक्ष आहे. एक चोटी धाव पूर्ण करतात फलंदाज.
अतिशय उत्कृष्ट कॉलिंग आणि उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेटसाठी क्रिकेटचं मॅन्युअल जर उघडून बघितलं तर इज नो वेट या तीन गोष्टींचा संगम असणं आवश्यक असतं. नाही ते संगम आपल्याला पाहायला मिळतं, सामंजस्य पाहायला मिळतं दोन फलंदाजांमध्ये. वेलकम सिद्दीक बाबी सर, आपला कॉमेडी बॉक्स मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहत आहात क्रिकेट किरंग महिंद्र स्पोर्ट्स के संघ पहिला सेमीफायनल सामना बी एंड एन विरुद्ध सोनादेवी टेमकर. यावेळी पंचांचं वाईट असं होतंय अवांतर वाईट चिरूपाने आणि सिंगलने धावसंख्या अवलंबून होते ती 16. क्रिकेट किरंग महिंद्र स्पोर्ट्स के संघ में सिद्दीक भाभे का सलाम पहुंचे. आज सुपर संडे और सुपर दिन है एमएलए ट्रॉफी 2018 का. टॉस को जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई पहले सेमीफाइनल में बी इंडियन. इन टीमों के बीच में इस सीजन में शुभा धुमाल तीन मैचेस हुए. मेगा फिनाले में लेट परशुराम टावरे ट्रॉफी में बी इंडियन को शिकस्त दी थी साकिब की अच्छी बल्लेबाजी के बाद. बी इंडियन ने सोना देवी को. उसके बाद ये दोनों टीमें अंजुमन ट्रॉफी में जब टकराई तो वहाँ पे रिजल्ट सुपर ओवर में बी इंडियन अपना मुकाबला हार गई थी. दो मैचेस बी इंडियन ने जीते और एक मैच सोना देवी टीमगढ़ ने जीता है. जबकि अगला सेमीफाइनल महिंद्रा बनाम पाइनियर है और मेरा अपना मानना है कि मापोली क्रिकेट धमाका में एक ही बार दोनों टीमें टकराएगी. यहाँ पर पाइनियर ने शिकस्त दी थी महिंद्रा को. रिवर्स फटका खेलने का प्रयत्न मिशाइन फटका आणि खराब शॉट सिलेक्शन. बड़ी मछली जाल में पुसती हुई मोटा मसा गला लगते हुए मतीन च्या रूपाने. यस बिग विकेट हैज गॉन नाउ. आई थिंक अननेसेसरी स्ट्रोक प्लेड बाय मतीन. ही ट्राइड टू टेक द एडवांटेज ऑफ रनिंग ब्रिज. ही ट्राइड टू प्ले अ रिवर्स शॉट एंड फाइनली कॉट इट शॉर्ट थर्ड मैन बाय सुभाष ठाकरे. यू कैन सी देयर बैड स्ट्रोक इंडीड बैड शॉट सिलेक्शन एंड मतीन ऑन हिज वे. सो मतीन इज गॉन नाउ and the Indian lose the very important wicket of Mateen 16 for the loss of one wicket. निश्चित एक मोठा फलंदाज बात होते मतीन मॅन इन फॉर्म. ज्या फलंदाज आवे यंदा जगमध्ये सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा विक्रम आहे. एक खराब शॉट सिलेक्शन आणि परिणाम स्वरूप बाव धोनी पॅव्हिलियन मध्ये फलतले नवीन फलंदाज वन डाऊन ला खेळण्यासाठी आलेले दानिश. Yes, B Indian change their strategy in semi-final. You are watching MLA Trophy 2018, the city cricket semi-final between B Indian and Sona Devi Temkar. They change their strategy because Danish is the pinch hitter. They are sending one down position. Yesterday they used Saqib and today they used Danish. Nijit, Ranjit Mathe badal kelela hai, yavile apan badhoi. Loin of Bhivandi, Sanjay Matre. The corporator Aurangzeb Urf Pappu Ansari and Wasim Ansari real. Super Sunday and Super Sunday मधील हे दोन सुपर संघ पहिल्या सेमी फायनल मध्ये एकमेकांसमोर लढताना आपण पाहतोय. बेंडन विरुद्ध सोनादेवी टेमकर. दुसरे सेमी फायनल को पायनियर और महिंद्रा स्पोर्ट दोनों को तैयार रहना है. हो ये उड़ाया गजब का शॉट. जिस काम के लिए आपको भेजा गया है वही काम से शुरुआत करते हुए जब की जाती है तो कप्तान का हौसला बढ़ जाता है. हालांकि इतनी खराब गेंद नहीं थी. टिपिकल दानिश स्ट्रोक को आप देख रहे हैं. ये देखिए किस तरह से शॉट को खेला. ऑफ स्टंप के बाहर से बल्ले पे लपेटा था और गेंद जब बल्ले से टकराई उस पर मोहर थी 6 रनों की. आज रवि तरे और मनोहर तरे का भी अंदाज अलग है. सिद्दीक भावे सर का भी अंदाज अलग है. अंदाज अपना अपना. बावीस रन शुभा धुमाल. जिस तरह की बल्लेबाजी सोना देवी टेमगर के पास है मेरा अपना मानना है कि बी इंडियन के कैप्टन 80 के नीचे तो नहीं देखना चाहेंगे. जिस तरह बल्लेबाजी फॉर्म में चल रही है करेश फॉर्म में है शाहिद खान फॉर्म में है
अशोक फॉर्म है, जितनी बैटिंग लाइनअप है, केदार पाटिल का फॉर्म तो डबल चढ़ रहा है। निश्चित आणि पूर्णपणे सहमत आहे आणि हा सामना दिवसा खेळवला जात आहे त्यामुळे एक चांगले आव्हान ठेवणं गरजेचं असणार आहे। यावेळी अतिशय खराब चेंडू दिशा भरकटले जाते पंचांचं वायर चषे होते आव्हान त्या धाव। देखिए वो विकेट कीपर से कह रहे हैं कि साइड आर्म करने की उन्होंने कोशिश की थी लेकिन अपनी दिशा में भटक गए। सुभाष ठाकरे जब बड़ा मैच रहता है ना तो अपने जो टिप्स हैं वो 100% देते हैं। एक महान खिलाड़ी है, कुल कस्टमर है, लेकिन इस सीजन में सुभाष ठाकरे का जो फॉर्म है वो उतना ऊंचा नहीं है। देखना है वापसी करते हैं या नहीं बड़े मैच में। पुनः एकदा खराब दिशा चेंडू दिशा फरकटले जाते। ये तो बचने का तरीका नहीं। दुनिया में हजारों गलियां हैं जहां से आप पतली गली से निकल जाए लेकिन क्रिकेट में कोई भी ऐसी गली नहीं जहां से आप बच के निकल जाए। निकलना है तो फिर लड़ के निकल जाए। आज गार्डन पूरी तरह पैक नजर आ रहा है। पहला सेमीफाइनल सामना अपन बताए सोनादेवे टेमघर विरुद्ध बी एंड एन या दोन बलाढ्य संघामध्ये दुसरे षटक मार्गस्थ है। सागर मैन फ्रॉम केवनी दिवे यावेळी कमबॅक केलेले आहे या चेंडूवर अंधाधुन आंखें मोंद कर शॉट खेले थे वहां पर अच्छी लंबाई की गेंद थी और बिल्कुल बल्ले के करीब से। निश्चित मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एमएलए ट्रॉफी में रंग भरा है। साथ ही साथ हमारे अंपायरिंग पैनल कमेंटेटर पैनल सुभाष धुमाल अजय गरज शाहिद खान साथ ही साथ ऑफिशियल स्कोरर राजू पाटिल प्रिंस मूवीज डीजे दीपेश इन सभी की एक अलग मेहनत रही है सफल बनाने में। एक धाव पूर्ण करता फलंदाज यानंतरचा दुसरा सेमीफाइनलचा सामना असणार आहे महिंद्र स्पोर्ट्स विरुद्ध फायनर स्पोर्ट्स या दोन संघादरम्यान। पहिला सेमीफाइनलचा सामना आपण पाहतोय बी एंड एन विरुद्ध सोनादेवी टेमघर या दोन बलाढ्य संघामध्ये। पॉइनियर के कैप्टन और महिंद्रा के कैप्टन आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है। यावेळी मात्र डिफेन्स केलेला आहे बॅकफुटवर जाऊन हलक्यानं केवळ चेंडू पुश केलेला आहे शॉर्ट कव्हरेजमध्ये एखाद्या वेळेसाठी। एखाद्या वेळी दोन षटकांची समाप्ती दोन षटकांची समाप्तीनंतर बी एंड एन संघाची धावसंख्या झालेली होती एक बाद 26 लॉस ऑफ वन विकेट एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर। आज हरेश पाटील भी बहुत खुश हैं कप की सफलता को लेकर चीफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। न्यू 40 प्लस अंतिम सामन्यात दाखल झालेले दोन्ही ही संघ जोशी इलेवन वर्सेस तुफान पिंपळास दोन्ही संघांनी आपण तयारीत राहायचं आहे। आमदार चषक 2018 मध्ये आपण सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे आणि रसिकांची गर्दी आता मात्र आमदार चषक 2018 मध्ये भरपूर वाढलेली आहे। आपण सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। सर्वतोपरी सज्ज झालेले आहे आमचे आयोजक संजयभाई म्हात्रे आजच्या ह्या फिनाले डे साठी त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। यशाचं उंच शिखर गाठते आमदार चषक 2018। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। कटर गेंदबाज युसुफ राजस्थानी को बुलाया गया है। निश्चित युसुफ यांनी या स्पर्धेमध्ये अतिशय प्रभावित गोलंदाजी केलेली आहे। यावेळी चेंडू फडल्यानंतर आतल्या बाजूने ओल्ला होता मात्र पंचांचं वाईट चषर होते आव्हान त्या वाईटच्या रूपाने। आने वाले बल्लेबाजों में मुनाफ शेख साहिबान फक्की बहुत लंबा बैटिंग ऑर्डर है। बी इंडियन के बाद साकिब को भी यूज किया जा सकता है। ये देखिए कटर थी लेकिन उसकी दिशा सही नहीं थी। यूसुफ राजस्थानी ने भी एमएलए ट्रॉफी में विकेट टेकर गेंदबाज की फहरिस्त में उनका भी नाम है।
यावेळी अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, पुन्हा एकदा आतल्या बाजूने वळलेला चेंडू, फलंदाज पूर्णपणे चकित होतोय. ब्युटिफुल बॉल, ब्युटिफुल बॉल, मोमेंट इन द एअर एंड ऑफ द सरफेस. लास्ट वन वॉज अ कटर फ्रॉम युसुफ राजस्थानी. ब्युटिफुल बॉल. द सेकंड सेमी फाइनल बिटवीन महेंद्रा एंड पाइनियर. इस सीजन में सिर्फ एक मरतबा ये दोनों टीमें टकराई है, जिसमें मापोली क्रिकेट धमाका में एक बहुत ही क्लोज मैच में जीत हासिल की थी पॉइंटिया ने. इस मैच में फेंक दिया मैदान के बाहर टावर पे, 6 रन. वहां पे अपने आप को शफल किया और गेंद देखिए सामने जो टावर है उसके दूसरे मंजिल से टकराती हुई, 6 रन, अपनी मंजिल पे जाती हुई. निश्चित नहीं जावेद याच्या पारी मधील हा दुसरा षटकार आपण पाहतोय. लेक्स्ट मोडचा चेंडू होता आणि जसा चेंडू तसा समाचार घेतला होता, जैसे गेन वैसे नशे. धाव संख्या षटकाराने वेगाने वाढून झालेली आहे ती 33, 33, लॉस ऑफ 1 विकेट. यावेळी अतिशय उत्कृष्ट चेंडू पूर्णपणे खोलून ठेवला होता फलंदाजा जावेद यास. बहुत खूबसूरत गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी, दोनों पैरों के बीच से जाती हुई विकेट कीपर के पास. ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद, मोमेंट भी था, लेकिन स्कोर इस वक्त बी इंडियन का है 33 रन 1 विकेट गंवाने के बाद. स्टेप आउट झाला होता, पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र बॅटचा संपर्क नाही. लेग बाय चिरपण एक धाव पूर्ण करता फलंदाज. हवा में चकमा खा गए थे बॅट्समॅन, हालांकि निकल के मारने की कोशिश की थी. युसुफ राजस्थानी भले से एक सिक्सर लगा है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. बल्लेबाजी में हम देखते हैं तो श्याम चौधरी, राहुल, केदार पाटिल, करेश मात्रे, अशोक, शाहिद खान, सुभाष ठाकरे, बहुत ही लंबी खेप है. यही कारण है कि बी इंडियन के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी ली और यहां से वो एक अच्छे टोटल की तरफ देख रहे. निश्चित मोटे धाव संख्येपर्यंत पोहोचने का प्रयत्न असला, जेणेकरून प्रतिस्पर्धी संघ जेव्हा फलंदाजी लावेल त्यांच्यावर दबाव वाढला जाईल आणि मोठा धावांचा डोंगर उभारावा लागेल. कारण आपण पाहतोय स्वच्छ सूर्यप्रकाशामध्ये रनर त्या उन्हामध्ये ही स्पर्धा खेळवली जाते, हा सामना खेळवला जात आहे. यावेळी अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं युसुफ राजस्थानी, परेशान कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को. ये देखिए बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था बैट्समैन के, देखा के शफल कर रहे हैं, इनके भी दोनों टांगों के बीच में से गेंद को निकाल दिया, दोनों टांगों पर निशाना कर रहे हैं युसुफ राजस्थानी. नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाज आपण पाहतोय युसुफ याच्याकडून. यावेळी दिशा भरकटली जाते, डाउन दी लेग स्टंप. तेज किया था वहां पर परिवर्तन के तौर पे, लेकिन नियंत्रण में नजर नहीं आए युसुफ. 1 रन से बी इंडियन का स्कोर 35 पे पहुंचा है, 35. पहले षटक कुमार यांनी हाताळलं होतं, दुसरं षटक हाताळलं होतं सागर यांनी, तिसरं षटक युसुफ हाताळलोय. पॉवरफुल टच चेंडू, जैसी गेंद वैसी नशेत, बॅकवर्ड स्ट्रेटलेगच्या वरून चेंडू सीमाशेजारी षटकार.
ये देखिए धुमाल का शॉट, ये उड़ाया नहीं बल्कि ये उड़ाला। आमदार चषक 2018 मध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। मित्रांनो, भिवंडीतील तमाम रसिक आमदार चषक 2018 मध्ये निश्चित उपस्थित झालेले आहेत, या रसिकांचं हार्दिक स्वागत आहे। आमदार चषकावर भिवंडीतील तमाम रसिकांनी नितांत प्रेम केलंय। आमच्या एका निमंत्रणाला मान देऊन भिवंडीतील तमाम रसिक छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर दाखल झालेले आहेत। या सर्वांचं भिवंडी पूर्वचे आमदार रुपेश म्हात्रे आपण आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर पाहू शकता। एवढं जबरदस्त ऊन आहे भावे सर, तरीही भिवंडीतील तमाम रसिक दोन्ही गॅलरी मध्ये पॅक आहेत। सभी का हार्दिक स्वागत आहे बॅक टू क्रिकेट नाव। थँक्यू शुभात धुमाल। एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर, स्कोर इज 41 बी इंडियन, लॉस ऑफ मतीन्स विकेट। मतीन इज आउट फॉर 7, हेल्प ऑफ 16। जावेद प्लेइंग सो फॉर ऑन 15, हेल्प ऑफ 26, बट दानिश प्लेइंग ऑन 13, हेल्प ऑफ 26। सो फॉर 5 सिक्सेस इन 41 रन्स। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, दिस टाइप ऑफ क्रिकेट प्लेड बाय बी इंडियन। बी इंडियन रैंकिंग ऑन नंबर 1, विनिंग 6 कप, धनेश 5, बट धनेश आउट ऑफ द एमएलए ट्रॉफी यस्टरडे नाइट। इज गोइंग टू बी कुमार, दिस टाइम लवली लुकिंग स्क्वायर ड्राइव, ट्राई टू यॉर्क बट इज ट्रेवलिंग टू स्क्वायर थर्ड मैन। सुमन मोर टू टोटल नाउ, स्कोर मोज अप टू 42 इन दिस सीजन एंड इन 26 ईयर ऑफ हिस्ट्री ऑफ टेनिस क्रिकेट। यस्टरडे आकिब अब पनियर क्रिएट द हिस्ट्री, 2 ओवर्स 2 रन्स एंड 7 विकेट। निश्चितच भिवंडी टेनिस क्रिकेट इतिहासामधील सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजी फिगर आपण कालच्या दिवशी पाहिली होती। 2 षटके, केवळ 2 धावा आणि 7 फलंदाजांना त्यांनी बाद केलं होतं। यस एंड 2 ऑल्सो 7 कॅचेस क्लेम बाय हरेश ठाकरे बिहाइंड दी विकेट। ही ऑल्सो क्रिएट द हिस्ट्री, ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ 2006 मेयर कप। कुमार फेसिंग हिम दानिश, हेवी ब्रीज रनिंग ओवर द ग्राउंड। This time put away, loosener over mid wicket for 6. Danish in attacking mode. Now B Indian 48 for the loss of 1 wicket. जे अतिशय उत्कृष्ट फटका बरोबर बॅटच्या मधोमध घेतला होता आणि ताकद झोकली होती त्या फटक्यामध्ये। चिंडू ज्यावेळी बॅटला लागला होता त्याच्यावर मोर ही उमटली होती षटकाराची। सो स्कोर इज 48 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नाउ कॅप्टन करेश इज द वरीड मॅन। शुभात ठाकरे हॅविंग अ वर्ड विथ कुमार। हॅलो कॅप्टन करेश हॅविंग अ वर्ड विथ कुमार। शाहिद खान ऑल्सो हॅविंग अ वर्ड विथ कुमार। वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे आमदार चषक 2018 मध्ये। या जगदीश नाईक सुपर्ब नॉक इन एमएलए ट्रॉफी इन फॉर्म बॅट्समॅन। एंड देयर वी वॉच कुमार बोस्टो दानिश, अनदर माइटी ब्लो, 6 मोर, दानिश ऑन फायर एंड बी इंडियन क्रॉस द 50। Runs coming like a shower. Danish moves up to quarter century, help of only 6 ball. And this is the 15th sixer hat-trick so far in MLA Trophy and Danish will get 500 rupees from Sachin Tare. अतिशय उत्कृष्ट फटका, लवकरच पोझिशन मध्ये आला होता। जॉब कहते ना हरकत में बरकत है, लवकरच हरकत मध्ये आला होता आणि 6 धावांचे वरकत मिळते बी इंडियन संघाला। Yes, I think Kumar in tremendous under pressure now because back to back 2 sixes from Danish. Danish in aggressive mood and I think the Indian captain sending for Danish pinch hitting and he done his job in a fantastic fashion.
टेम्पो चालक मालक संघटनेचे उपाध्यक्ष सुरेशजी तरे आणि सोनाळे वाराईचे अध्यक्ष सुरेश दादा तरे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे आमदार चषक 2018 मध्ये. 54 फॉर द लॉस ऑफ वन विकेट, रन्स कमिंग व्हेरी इझिली. नाव व्हेरी वरीड कॅप्टन करेश म्हात्रे, सोनादेवी टेमगर, शाहिद खान एट डीप स्क्वायर लेग. This time try to sweep, appeal for LBW, but impact is outside the off stump, fine delivery up to the batsman. नीचे अतिशय उत्कृष्ट चेंडू आदळला होता, अपील केला होता तिथे हलका असा, मात्र इम्पॅक्ट स्टेनच्या बाहेर होता. स्वीप करण्याचा फलंदाजाचा प्रयत्न होता, बॅट आणि चेंडू मध्ये संपर्क झालाही नव्हता. इन द एअर वी वॉच कुमार फेसिंग हिम दानिश काझी. बॉल टू दानिश डाउन टू लेग साइड. White signal from umpire, missing the leg stump. So one more to total now. Indian moves up to 55 for the loss of one wicket. Still fourth over in progress, and I think Indian looking 80 plus from here. Still big cheering from the captain of Indian from Place Pavilion, Yasir Sheikh, the tall man. In the air we watch Kumar. This time fine delivery once more. Danish looking for onside a stroke. Good comeback from Kumar in previous two balls. निश्चित या दोन चेंडूवर चांगला वापसी केले आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता. कशा प्रकारे चेंडू आदळला होता, बॉडी लँग्वेज ला ओळखलं होतं, ज्याप्रमाणे अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न करतो फलंदाज. कुमार रीच इज बॉलिंग मार्क, टर्न फ्रॉम श्याम नाईक गॅलरी एंड. Facing him batsman Danish Kazi. Misses tapping, dead ball signal from umpire Ramiz Rais. Young and hot look Ramiz Rais. Leg umpire famous Gokul Das Patil, the local boy. This time flick, could be six or caught. No, it's six. Effortless shot played by Danish, only timing behind the stroke, not a plenty of power. This is the elegant. आमदार चषक 2018 मध्ये उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. सुपर संडे मध्ये मेगा फिनालेच्या दिवसामध्ये तमाम सर्व रसिक प्रेक्षक, भिवंडीच्या प्रत्येकाच्या घराघराने प्रत्येकाच्या मनामनात अधिराज्य निर्माण करणारा तुम्हाला सर्वांचा लाडका चषक 2018 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. आपण पाहतोय क्रिकेटचा महासंग्राम 2018. नक्कीच रसिक प्रेक्षकांनी गेली 11 दिवस या चषकामध्ये जी हजेरी लावली आणि भिवंडीच्या जनतेने थेट प्रेक्षेपणाच्या माध्यमातून जो उदंड प्रतिसाद दिला त्याबद्दल सन्माननीय आमदार उपेंद्रदा म्हात्रे साहेब, लॉयन ऑफ भिवंडी, कार्यक्रमाचे आयोजक शिवसेनेचे सन्माननीय गटनेते संजयभाई म्हात्रे, महेंद्र स्पोर्ट क्लब, मयुरेश एंटरप्राइजेस, महेंद्र समाज कल्याणकारी संस्था गावदेव स्पोर्ट भादवड यांच्या वतीने आपलं सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम, सुस्वागतम. आमदार चषक 2018 मध्ये भिवंडी शहरी गटातील स्पॉन्सर्स अंतिम विजय संघास रोख रक्कम माननीय श्री आमदार रुपेश दादा म्हात्रे, उप अंतिम विजय संघास रोख रक्कम मे स्क्वेअर फीट ग्रुप व एस एस तारे एंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर साईनाथ तारे, उप उपांत्य विजय संघास दोन्ही संघास रोख रक्कम माननीय श्री भावीजी ठक्कर उद्योगपती भिवंडी, स्पर्धेसाठी प्रत्येक सामन्यासाठी सामनावीर म्हणून ट्रॉफी माननीय श्री सुरेंद्र शंकर पाटील प्रोप्रायटर ओम सई अटोकिंग, स्पर्धेतील मालिकावीर म्हणून मोटारसायकल माननीय श्री इरफान भाई अन्सारी नगरसेवक यांच्याकडून. चार ओव्हर में 61 रन बनाए इंडियन ने, 8 गेंदों का सामना करके 31 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दानिश काजी, जबकि जावेद ने बना रखे हैं 16 रन. मरता क्या न करता युसुफ याला गोलंदाजी अटॅक वर हनलं जातं पुन्हा एकदा, ज्याने मागचं षटक अतिशय उत्कृष्ट हाताळलं होतं. यस, अब जब रन ज्यादा बन रहे तो अपने ट्रम्प कार्ड गेंदबाज को आपको इस्तेमाल करना चाहिए. युसुफ राजस्थानी, जावेद को कठिनाइयों में रखा है उन्होंने लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. इस मरतबा करारा पुल, गैप में कोई मौका नहीं, बुलेट शॉट, 4 रन. रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे. इंडियन का स्कोर 65 पे पहुंचा है.
जावेद पहुंचे 20 पर। आने वाले बल्लेबाजों में मुनाफ शेख का आना बाकी है। इस सीजन में जितने भी इंडियन के मैचेस हुए हैं ड्रॉप सीन के हीरो रहे हैं। यूसुफ राजस्थानी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए जावेद के लिए बोल्ड अराउंड लेग्स, बड़ी विकेट हासिल की यूसुफ ने, आउट हो गए जावेद। खेलने का प्रयत्न होता ज्यादा काम युसुफ याला पाचारण के ती काम के ब्रेक थ्रू ची आवश्यकता होती तो ब्रेक थ्रू मिलन दिल आउट होके जा रहे जावेद। नए बैट्समैन मुनाफ शेख ये जब भी खेलने आते शोर उभरता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये जो मुनाफ शेख है ना ये जब भी बल्लेबाजी पे आते हैं तो ऑडियंस के दिलों पे छा जाते हैं। लेकिन इस वक्त 65 पे दो विकेट गिरे, पांचवें ओवर का खेल चल रहा है, अगला सेमीफाइनल होने जा रहा है। अल्ताफ बाली और अहमद फक्की फेम टीम, पाइनियर बनाम एमएलए रुपेश मात्रे फेम टीम महेंद्र स्पोर्ट्स के बीच में। वेलकम अल्ताफ बाली जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एमएलए ट्रॉफी 2018। बहुत अच्छा मुकाबला संजय मात्रे और अल्ताफ बाली आमने सामने दोस्ती मैच, बेस्ट ऑफ बेस्ट। यूसुफ राजस्थानी मुनाफ के लिए बहुत खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से छटा दिया था उस गेंद ने। स्वीप करना चाहते थे, झाड़ू स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कटर हवा में भी मोमेंट हो रही, उनकी गेंदें हल्की सी स्विंग हो रही है। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यूसुफ राजस्थानी, ये देखिए, ओ हो बाल बाल बच गए। नक्कीच अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी या स्पर्धेमध्ये युसुफ याने केलेले आहे। स्विंग मूव सर्व प्रकार आपण पाहतोय त्यांच्या चेंडूंवर। युसुफ राजस्थानी मुनाफ के लिए लंबा हिट खेलना चाहते थे, बल्ले के नीचे लगी है गेंद, लुढ़क कर पहुंची आउटफील्ड में, सिर्फ एक रन। इस ओवर में बांधे रखा यूसुफ राजस्थानी ने पहली गेंद पे चौका लगने के बाद। बी इंडियन का स्कोर 66 रन दो विकेटों के नुकसान पे। अल्ताफ बाली जी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एमएलए ट्रॉफी 2018 में। संजय भाई के सबसे करीबी दोस्त है अल्ताफ भाई। यस, हमारे बीच पहुंच चुके हैं टेनिस दुनिया का बिग शो करने वाले दो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। अल्ताफ बाली आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है एमएलए ट्रॉफी में। आज का क्रिकेट आप ना एक सेकंड के लिए आंख बंद कर सकते हैं ना कान बंद कर सकते हैं। वीआईपी डाइस पे अल्ताफ बाली इस वक्त पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद, तेज किया, गेंद ब्रश होके गई थी लेकिन पैरों से। बहुत जबरदस्त अंपायरिंग गोकुलदास पाटिल की। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं युसुफ राजस्थानी। ट्रम्पकट गोलंदाज अपन पता है सोनदेव टेमघर या संघाचा, आणि जे अपेक्षा केली होती करंदराने त्या अपेक्षेवर खरोखर उतरलेला या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये। पांच अच्छी गेंदे किए और पांच रन ही दिए, एक विकेट भी लिया है। राजस्थानी मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। आप देख रहे हैं पहला सेमीफाइनल मुकाबला एमएलए ट्रॉफी 2018 का। राजस्थानी मुड़ते हुए इस मरतबा ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, नीचे बैकलिप से टर्न करते हुए आउटफील्ड में एक रन। 32 पे पहुंचे दानिश और कुल स्कोर पांच ओवर की समाप्ति पे 67 रन दो विकेटों के नुकसान पे। जब तक ओवर शुरू होगा मैं आपको लिए चलता हूं मनोहर तारे के पास। धन्यवाद कॉमेडी बॉक्स अपन पता है दमदार चषक 2018 व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं आणि हजारोच्या संख्येने आलेल्या रसिक प्रेक्षकांचं आमदार चषक 2018 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। मित्र आपण पाहतात आमदार चषक 2018 क्रिकेटचा महासंग्राम। स्पर्धेतील 11 दिवस
सुपर संडे मेगा फिनाले आणि नक्कीच स्कोर सांग रे तिसऱ्या पंचांची सुविधा उपलब्ध आहे. तिसऱ्या पंचांची सुविधा उपलब्ध आहे. थर्ड अंपायर अवेलेबल हियर. ओके सोनच एकदा आपलं हार्दिक स्वागत आहे. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स. अमित शेख ने और बुराक वेलफेयर सोसाइटी ने इस वक्त आने वाले मैच के लिए पॉइंटियर और अल्ताफ बाली को ऑल द बेस्ट कहा है. अमित शेख आपका इस्तकबाल है. ऑडियंस से आज हम क्षमा चाहेंगे, बड़े मुकाबले हैं इसलिए हमारे मोबाइल ऑफलाइन है. आप सभी का प्यार सर आंखों पर, आप सभी की कॉम्प्लीमेंट सर आंखों पर और आप सभी के ऑल द बेस्ट सर आंखों पर, लेकिन आज हम आपके ऑल द बेस्ट नहीं पहुँचा सकते हैं, उसके लिए हम माफी चाहेंगे. 67 रन दो विकेटों के नुकसान पर. आखिरी ओवर का खेल गेंदबाजी में श्याम चौधरी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस मरतबा फ्लिक किया हवा में और दानिश आउट. ये देखिए जश्न मनाते हुए 32 रनों की बहुत खूबसूरत बारी के बाद आउट हुए दानिश. पलट के वार किया है सोना देवी टेंगर ने. इस सीजन में दोनों टीमें 3 मर्तबा टकराई, 2 में जीत बी इंडियन की, सुपर ओवर में सोना देवी जीती थी अंजुमन में और अगले जो मैच हो रहा है एक ही मर्तबा टकराए महेंद्रा और पायनियर. मापली क्रिकेट धमाका में और उसमें जीत पायनियर की भी थी. एमएलए ट्रॉफी को अगर बी इंडियन ने जीता तो 7वां कप, सोना देवी ने जीता तो 1ला कप, पायनियर ने जीता तो 1ला कप, महेंद्रा ने जीता तो 2रा कप. हालांकि 2 मर्तबा की इस मर्तबा हेलीकॉप्टर स्टॉप, बहुत खूबसूरत गेंद, आगे रखा था मुनाफ के, पिछले 2 ओवर में रनों पे रोक लगा दिए. उसका कारण है कि गेंदबाजी बहुत नपीतली हो रही. नक्कीच पलटवार गेलेला आहे कारण पहिल्या 3 षटकामध्ये धावांची लयलूट केली होती फलंदाजा बेंडेनच्या, मात्र त्यानंतर कमबॅक केलेला गोलंदाजाने. श्याम चौधरी लोकल बॉय है. इस मर्तबा सीधा स्ट्रोक हवा में, गेंद के नीचे फील्डर और मुनाफ शेक आउट. क्या गेंदबाजी हो रही है यहां पर सोना देवी टेमगर की. बहुत ज्यादा आसमान में तान दिया था. अगले मैच में देखना है कि बिलाल शेख, गैसुद्दीन, सचिन गायकॉट, उसामा जिलानी को किस तरह खेलते हैं और जुल्फिकार, दानिश खोत, फाइक, माजिद बोबड़े किस तरह सामना करेंगे राजू बोगा, गैसुद्दीन और सुरेश पारदी का. एमएलए ट्रॉफी नाइस ऑर्गेनाइजेशन एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल टीम्स आरसीसी स्पोर्ट की तरफ से सभी टीम को और एमएलए ट्रॉफी की हार्दिक शुभकामना भेजी है सचिन वारे एंड टीम. थैंक्स टू ऑल. पिछले 9 गेंदों में सिर्फ 6 रन आए और 3 विकेटें गिरी. इससे साबित होता है कि रनों की लूटमार का जो ओवर है वहां पे विकेटों की लूटमार हो रही. श्याम चौधरी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आते हुए स्टेप में चूके डेड बॉल. अभी तक कोई रन नहीं दिया है श्याम ने. 2 विकेटें लिए 3 गेंदों पर.
साकिब को भेजा गया है। कल धनेश कुकसे के सामने 27 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली थी श्याम चौधरी। फ्लिक और ये तो जाएंगे मैदान के बाहर 6 रन। क्या शॉट खेला है, तेज कर बैठे थे श्याम चौधरी। तिहत्तर रनों पे पहुंचा है बी इंडियन का स्कोर। ये क्रिकेट है निजे अतिशय उत्कृष्ट फटका मनगटाचा चांगला वापर फटका मागे केला होता फलंदाजाने। शाखा प्रमुख रामदास चौगुले यांनी अंदाज चषक 2018 ला शुभेच्छा दिले, धन्यवाद। शॉट भी अच्छा था, रिस्क भी शॉट के पीछे था और रिस्क भी था। ये आप देख सकते हैं अल्ताफ बाली, संजय मात्रे वीआईपी डाइस पे। इस सीजन में बीसी फोर ने बहुत अच्छा कारनामा अंजाम दिया है और क्रिकेट को बहुत ही साफ सुथरे अंदाज तक भिवंडी क्रिकेट को उन्होंने आप तक लाया है। डिसिप्लिन क्रिकेट। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए श्याम चौधरी, पुल और पावरफुल 6 रन। ये देखिए 3 गेंदे अच्छी की, 2 खराब की। अब ये जो 2 सिक्सर लगे ये मैच में रिजल्ट पे असर कर सकते हैं। साकिब युवा राउंडर कह रहे श्याम चौधरी से रहे तो मैं भी सवा शेर हूं। निश्चित पाहू शकता अकूट टप्प्या चेंडू होता, चेंडूला फुल केला होता, फुल एंड सक्सेसफुल। 6 धाव वसूल करतोय फलंदाजाने, 6 धावेने बेंडन संघाची धाव संख्या मुसंडी मारते, धाव संख्या 6 ने वाढून होते 79। बाएं हाथ के बैट्समैन का बहुत ज्यादा लाभ मिला है एमएलए ट्रॉफी में। कल कुमार का रन आउट होना बहुत ही घातक साबित हुआ था और भावेश पवार का 6 रन पे आउट होना। कल जयेश पाटिल ने रन नहीं बनाया था, 0 पे आउट हुए थे। देखिए हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे कैमरामैन को डिस्टर्ब ना करे। संजय मात्री जी का कहना है कि कैमरे के स्टैंड जो है वहां से आपको हट जाना है। आणि त्या गेटच्या बाजूला मुले बसलेले आहेत, पाय बॅनर्स वर ठेवलेले आहेत, त्यांना विनंती असेल की आपण पाय वर घ्यायचे आहेत, क्योंकि आपके हलने से कैमरा वाइब्रेट हो रहा है। श्याम चौधरी, 1 गेंद बची है, 79। ओ 6 रन रन हुए और 86 रनों की चुनौती। क्या ओवर था, पहली 3 गेंदे 2 विकेट कोई रन नहीं, बाद की 3 गेंदे 18 रन। एक ही बात कहूंगा, जिस तरह बाली ट्रॉफी के दूसरे फाइनल में मैंने कही थी जब दीपेश ने 3 गेंदों पे 3 सिक्सर लगाए थे कि ये मैच का कहीं टर्निंग पॉइंट ना हो जाए। कुल मिला के 85, कल 85 का लक्ष्य धनेश के सामने बी इंडियन ने रखा था रात में, आज 86 का लक्ष्य सोना देवी के सामने। आइए दोस्तों बड़े मुकाबले के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आमदार चषक 2018 मध्ये पुनः एकदा आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आरसीसी स्पोर्ट च्या वतीने बी इंडियन संघाला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। हॅलो, धन्यवाद। कॉमेंट्री बॉक्स, दुसरा सेमीफायनलचा सामना आमदार चषक 2018। माझ्या समवेत आहेत निश्चित पॉइनियर आणि महेंद्रा। सिद्धी भावे सर आपण यायचे, आइए टॉस को अंजाम देने जा रहे हैं दिलीप नाईक, शिवसेना सचिव, दोनों कैप्टन। ऑल द बेस्ट सचिन गायकवाड एंड दानिश खोत।
टॉस को जीता इस वक्त पॉइनियर ने। ये हम गिफ्ट एम्पर दे रहे हैं आपको, रवि सर हमारे ऑफिशियल अनाउंसर, बहुत बढ़िया वर्क रहा है उनका, अनेक अनेक आभार दिलीप नाइक जी एंड रवि सर। कहीं सेमीफाइनल में आप पहुंचे दानिश, लेकिन एमएलए ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलते हुए कैसा फील कर रहे? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं माशाल्लाह, टीम वर्क अच्छा हो रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं बॉलर बैट्समैन, तो सेमीफाइनल में भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके इंशाल्लाह ताला जितने ही कोशिश करेंगे। ये बताइए आपने इम्पोर्टेंट टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। दिन का मैच है, ये रीजन है या और कोई रीजन है? रीजन तो वही है, चेजिंग अच्छी होती है और दिन में तो ऐसा है कि महिंद्रा भी टीम अच्छी है, तो इंशाल्लाह ताला फील्डिंग करके स्कोर कम स्कोर में रोक के इंशाल्लाह चेजिंग करेंगे। देखिए दानिश, दोनों टीमों का बैलेंस सेम है, गेंदबाजी रहे या बल्लेबाजी, लेकिन कैप्टन होने के नाते ये सोचेंगे कि 6 ओवर में महिंद्रा को कहाँ तक आप रोकना चाहेंगे? 50-55 तक के रोकने की कोशिश करेंगे। सचिन गायकवाड़, बिलाल शेख और खासतौर से विशाल पाटिल भी अच्छे फॉर्म में, यसुद्दीन कभी भी चल सकते हैं, इन चारों को आउट करने का कोई गेम प्लान? गेम प्लान तो है, इंशाल्लाह ताला मैच में ही वो बताएंगे। और ये बताए कि सैम मुकाबले में क्या ऋषि पटेल इन है? हाँ ऋषि पटेल है। तो आपकी गेंदबाजी की ताकत बढ़ गई है। एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, दर्शक भी पैक हो चुके हैं, ऑडियंस टीवी पे देख रही है, आप ये कह सकते हैं कि वाकई में दोपहर बहुत रंगीन होने जा रही? इंशाल्लाह जरूर। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ हवा और दवा वाले बैट्समैन सचिन गायकवाड है। हवा भी चल रही है, एमएलए ट्रॉफी की भी हवा चल रही है, लेकिन सचिन गायकवाड एमएलए ट्रॉफी में क्या महिंद्रा की हवा चलने जा रही है? सर जरूर, सेमीफाइनल तक पहुंचे तो हम फाइनल भी देखेंगे। ये बताइए आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग लेते हम लोग। लेकिन अब आपको गेम प्लान 2 यूज करना है। ये बताइए सचिन गायकवाड के कल जो रात टीम खेली थी देर रात, उसमें कोई चेंजेस या रद्दो बदल है? हाँ सर है, बिलाल से कहा है अभी और टीम भी मजबूत होगी। ये बताइए सचिन गायकवाड, जिस तरह की अभी आपने बल्लेबाजी देखी, आप चाह रहे हैं कि 80 प्लस टोटल पॉइनियर के सामने रखे दिन के मैच में? 70 प्लस हो जाएगा तो भी अच्छा है, क्योंकि हमारे गेंदबाज अच्छे हैं चारों। ये बताइए कि इस अहम मुकाबले में बिलाल शेख, आप तो अच्छा ही खेल रहे, यसुद्दीन शेख, सुरेश पारदी, विशाल पाटिल और पपिया खारिक से क्या अपेक्षा रख रहे? सर उम्मीद तो सबसे रहती है, लेकिन अपना ओपनर में ज्यादा उम्मीद रहती है, ओपनिंग जोड़ी चल गई तो मैच चलती है। गेंदबाजी तो आपकी बहुत लाजवाब रही है, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या खुद के कप में एमएलए ट्रॉफी में आप फाइनल की तरफ देख रहे हैं? सर सपना तो यही हमारा के फाइनल तक हम जाए और सेमीफाइनल अच्छे खेल के फाइनल में जा सकते हैं। सचिन गायकवाड के फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, क्या देना चाहेंगे अपनी तरफ से इस सेमी में? मेरे फैन को मैं यही दुआ करने चाहता हूँ कि हम सेमीफाइनल जीते और फाइनल तक जाए। ऑल द बेस्ट। तो ये थे दोनों कैप्टन, बहुत अच्छे ओपिनियन रहे। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज पायनियर वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू द बॉल फर्स्ट, इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स, अजय घरत इज देयर। हमदा चषक 2018 मध्ये उपस्थित सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं पुनः एकदा स्वागत आहे। हजारोच्या संख्येने उपस्थित सर्व रसिक प्रेक्षक, आपण जो 11 दिवस उदंड प्रतिसाद जो प्रेम दिलेला आहे आमदार चषकावर, प्रेम केलेला आहे त्याबद्दल खरोखर आपलं मनापासून हार्दिक अभिनंदन। तसेच टेलिव्हिजनच्या माध्यमातून भिवंडीतील प्रत्येक घरातील टीव्ही ऑन आहे आणि त्या टीव्ही मध्ये फक्त आणि फक्त आमदार चषक चालू आहे, म्हणून त्या सर्व आमच्यावर प्रेम करणाऱ्या सर्व भिवंडीतील रहिवाशांचं, आमदार चषकावर नितांत प्रेम करणाऱ्या सर्व नागरिकांचं पुनः एकदा हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम सुस्वागतम। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। अगदी बरोबर आहे, म्हणून आपण पाहतोय की डेन चॅनल असू दे, ट्रिपल एस असू दे, संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये फक्त एकच चॅनल ऑन आहे आमदार चषक। भिवंडी के तमाम रसिकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एमएल ट्रॉफी 2018 में। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रवि सर, सर्व क्रिकेट रसिकांचे हार्दिक स्वागत। 86 धावांचं एक मोठं डोंगरा एवढं आव्हान आहे,
सोनादेवी टेमघर संघासमोर सलामीची जोडी खेळपट्टीवर पोहोचलेली आहे. कर्णधार करेश म्हात्रे विथ अशोक. तर सलामीच्या जोडीमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. पहिला चेंडू घेऊन उजेर, उलटा चेंडू, चेंडू हवेत आहे, मिस टाइम फटका, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आणि कुठल्याही प्रकारची चूक नाही. करेश म्हात्रे बाद. उन्होंने पॉइंट या कवर में खेलना चाहिए था, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया और आउट हो गए. जब बड़ा लक्ष्य रहता है तो इस तरह के व्यूज हमारे सामने आ जाते हैं. यहाँ हमारे कैमरामैन शिनू का जन्मदिन मनाया जा रहा है प्रिंस मूवीज के. रवि गुलवी कल रात में नजर आए, आज नजर आ रहे हैं शादी के बाद. ओहो, शिनू चा वाढदिवस साजरा केला जातोय आमच्या मिक्सिंग रूम मध्ये. बिल्कुल अजयकृत, अधिकांश बार देखा गया है कि इस तरह की गलतियां हो जाती है. हालांकि लूजनर थी और चाहते तो उसे कवर योर पॉइंट जो पूरा खाली था वहां पे खेल सकते थे. हैप्पी बर्थडे कैमरामैन चिनू. व्यासपीठावर आपण पाहू शकता अल्ताफजी पाली सामन्याचा आनंद घेत आहेत. शेनू को बहुत अच्छा रंगीन कर दिया है, वैसे भी पहले ही उनका कलर बहुत अच्छा है. शेनू याला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. तसेच प्रिन्स मूवीजचे प्रोप्रायटर रवी गुळवी यांना देखील सेकंड इनिंगच्या हार्दिक शुभेच्छा. तर पहिल्या चेंडूवर फलंदाज बाद. अतिशय निराशाजनक सुरुवात म्हणता येईल सोनादेवी टेमघर संघाची. सुरुवातीपासूनच जी धावांची सरासरी राखायची आहे प्रतिषटक 14.33, एक अवघड असं समीकरण आहे. नवीन फलंदाज श्याम चौधरी, ही जोडी महत्वाची असेल. एक कमजोर चेंडू होता, फुलटॉस चेंडू, ज्युसी फुलटॉस ऑफ स्टंपच्या बाहेर, त्या चेंडूवर फलंदाज बाद झाला. करेश उजेर व्हीआयपी टोकाकडून गोलंदाजी करतोय राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फुलटॉस फ्लिक केलाय, अप्रतिम फटका, जबरदस्त टायमिंग, उत्तुंग षटकार. ये श्याम चौधरी तो बात. वहां पर फ्लिक कर दिया 6 रन. श्याम चौधरी बाली ट्रॉफी 2018 में दोनों टीमों के बीच में सेमीफाइनल हुआ था. इसी तरह विकेट गिरी थी लेकिन श्याम चौधरी आखिर तक डटे रहे. रवि सर भी वहां पहुंच चुके हैं, शिनू के पास मनोहर तरे भी पहुंच चुके हैं. श्याम चौधरी इंडियन के सामने हमेशा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. देखिए संजय म्हात्रे का कहना है कैमरामैन के स्टैंड पे जो दो दर्शक बैठे हैं आपको वहां से हट जाना है, हट जाना है, कैमरा वाइब्रेट हो रहा है. अतिशय सुरेख फटका श्यामच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला. षटकाराने खातं उघडलं जातंय सोनादेवी टेमघर संघाचं. पहिला चेंडू देखील फुलटॉस होता, जास्त जोरात खेळण्याचा प्रयत्न केला होता करेशने, टायमिंग अचूक नव्हतं, परंतु श्यामचं टायमिंग अचूक होतं आणि त्यामुळे चेंडू सीमारेषे पलीकडे गेला. काफी लंबी बॅटिंग लाईन पाहणं बाकी आहे. अशोक नॉन स्ट्राइक पर आहे. सत्रामध्ये चांगली फलंदाजी केलेली आहे श्यामने आपल्या संघासाठी. पुढचा चेंडू आता मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट गॅप शोधला आहे. चेंडू वेगाने सीमारेषे पलीकडे, 4 धावांसाठी चौकार. मंदाबाई शिकलेली नव्हती का, लेकिन श्याम चौधरी का क्लास देखिए, उनका नॉलेज देखिए, क्या स्क्वायर ड्राइव खेला है. बिल्कुल गेंद के पीच पे जाकर दूर रखा था गेंद, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन. जिस तरह बाली ट्रॉफी के सेमी फाइनल में श्याम चौधरी ने बल्लेबाजी की थी उसी तरह की बल्लेबाजी एमएलए ट्रॉफी के सेमीफाइनल में. अल्ताफ बाली और संजय म्हात्रे की दोस्ती, वहां भी ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में और यहां भी सेमीफाइनल में.
Achendu, big one, that's gone out of here. Second six of the innings. What a shot. विराजमान होता है शिव व्यापारी सेना महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष रमाकांत जी गोभी साहब शॉट पुष्पाताई गोभी आपका हार्दिक स्वागत है वेलकम सुस्वागतम क्या शॉट खेला है एक बात है कि कल रात से बी इंडियन मिसाइल उजेर इनके मिसाइल को एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह इस्तेमाल करके फ्लॉप किया जा रहा है कल रात धनेश वाले इनके खिलाफ मोर्चा खोले थे आज श्याम चौधरी ने खोला है नक्कीच काल देखील आपण पाहिलं की दोन षटकांमध्ये 34 धावा तब्बल खर्च केल्या होत्या या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केला परंतु त्यानंतर तो जो आनंद होता तो जास्त काळ टिकलेला नाही एक और अच्छी सोच है कि लोकल बॉय को ऊपर भेजा है श्याम चौधरी वैसे भी क्लास बैट्समैन है लेकिन उनको ऊपर इसीलिए भेजा है कि वो लोकल बॉय है या आधीच्या सामन्यामध्ये तर आपण सलामीला देखील पाहिलेला आहे श्यामला जबरदस्त सुरुवात करतोय श्याम आता मात्र राउंड द विकेट चा मारा फुल टॉस सुरेख कवर ड्राइव व्हाट अ शॉट वन्स अगेन फोर रन्स शॉट नजरों में जज्ब हो जाते हैं बहुत ही खूबसूरत क्लासिकल स्ट्रोक क्लास झलकता हुआ गेंद एक्स्ट्रा कवर पे जाती हुई चार रन चार गेंदों में 20 रन और मैच में वापसी करती हुई पहली ओवर में पहला विकेट गंवाने के बाद सोना देवी टेमघर सोना देवी टेमघर संघाचे पाठी राखे अत्यंत खुश दिसतायत जबरदस्त सुरुवात झाली आहे दमदार सुरुवात 20 धावा धावफलकावर पहिलं षटक मार्गस्थ आहे कवरच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक होता त्या ठिकाणी सर्कलच्या आतमध्ये परंतु त्या क्षेत्ररक्षकाला संधी दिली नाही नेत्रदीपक फटका श्यामच्या बॅटमधून पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू उजेर टू श्याम फुलटॉस आणि हा देखील जाणार सीमारेषा पलीकडे फाईन लेग सीमारेषा पार चार धावांसाठी चौकार शॉट अच्छा नहीं था जब आपका दिन अच्छा रहता है तो रिजल्ट अच्छा रहता है और एक बात तो करूंगा कि सेमीफाइनल में श्याम चौधरी जान हथेली पे लेके बल्लेबाजी कर रहे हैं पहले ओवर में 24 रन कुछ जोखिम भी लिया सफल भी हुए अब बचे हुए जो पांच ओवर है उसमें 62 रन चाहिए टीम मीटिंग करो रेट 15 के करीब था वो आस्किंग रन रेट पे आया है अपन वे घरवे नहीं संजय भाई मनना है प्लीज सहकार्य करा टीम मीटिंग घ्यायची नाहीये आमदार चषक 2018 मध्ये व्यासपीठावर ज्यांच्या माध्यमातून मॅन ऑफ द मॅच साठी सुंदर अशी बॅग दिली ते सन्माननीय शिव व्यापारी सेना महाराष्ट्र राज्याचे उपाध्यक्ष रमाकांतजी गोळवी साहेब आणि पुष्पाताई गोळवी यांचं आगमन झालेलं आहे आपलं हार्दिक स्वागत आहे तसेच स्पॉन्सर राजा नाईक हर्ष एंटरप्राइजेस आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे वेलकम सुस्वागतम अजय करत एक ही बात करना चाहूंगा यहाँ पे मैं कि ये जो मुकाबला है यासिर शेख के दो ओवर और सोना देवी की बल्लेबाजी के बीच में रहेगा अजून भरपूर वेळ आहे सामन्यामध्ये भरपूर क्रिकेट शिल्लक आहे पाच षटकांचा खेळ शिल्लक आहे 62 धावांची आवश्यकता आहे आणि बी इंडियन हा एक असा संघ आहे जो कुठल्याही वेळेला आपण पाहतोय की सामना सोडत नसतो पलटवार करण्याची क्षमता आहे स्वतः कर्णधार यासिर येतोय गोलंदाजीसाठी मतीनने आज फक्त 7 धावा जोडल्या आपल्या संघासाठी त्यानंतर जावेदने 20 धावांची चांगली खेळी साकारली 32 धावांचं योगदान दानिशने दिलं टॉप स्कोरर राहिला बी इंडियन संघासाठी आणि फिनिशिंग टच आपण पाहिलं साकिबच्या बॅटमधून तीन उत्तुंग षटकार शेवटच्या तीन चेंडूंवर तर 85 धावांचा डोंगर उभा केला आणि प्रत्युत्तरात सोनादेवी टेमघर संघाची चांगली सुरुवात पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 1-24 पहिल्या चेंडूवर फलंदाज करेश बाद झाला परंतु त्यानंतर प्रतिहल्ला चढवला उजेरच्या गोलंदाजीवर श्यामने आता मात्र स्ट्राईक आहे अशोककडे यासिरचा पहिला चेंडू स्क्वेअर ड्राईव्ह चेंडू जातोय डीप बॅकवर्ड पॉईंटकडे क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी साकिबच्या रूपात एकच धाव मिळते आणि अशोकचं खातं उघडलं जात आहे हालांकि अच्छा शॉट तो नहीं था खेलना चाहते थे एक्स्ट्रा कवर में बल्ले का फेस ज्यादा खुल गया ये देखिए किस तरह से खेला था अशोक ने वाइड आउट वाली थी
और गेंद चली गई बैकआउट ऑफ द पॉइंट। बैटचा थोड़ा सा बाहर लागला होता चेंडू, परंतु एक महत्वाची धाव मिळाली आणि खुश असेल अशोक, कारण स्ट्राइक इनफॉर्म बॅट्समन श्यामकडे आहे। चांगल्या टच मध्ये दिसतोय या सामन्यामध्ये, दोन षटकार आणि तीन चौकारांच्या सहाय्याने 24 धावांवर खेळतोय, फक्त 5 चेंडूंचा सामना केलाय। यासिर राईट आर्म ओव्हर द विकेट, जोरदार अपील आणि फलंदाज बाद, फिंगर गोज अप, दॅट्स अ बिग विकेट। या सेलिब्रेशन देखिए कप्तान यासिर शेख का, क्या परफेक्ट यॉर्कर थी जिसपे श्याम चौधरी आउट हुए हैं। कोई हेजिटेशन नहीं रहा था अंपायर रमीज के मन में। ये देखिए बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन, शफल किया बिल्कुल मिडल स्टंप पे, टो से टकराई, नो डाउट एट ऑल 100% आउट LBW। ये यासिर शेख है, इसीलिए तो मैंने कहा था कि यासिर शेख के जो दो ओवर है इस मैच के लिए बहुत निर्णायक रहेंगे। अतिशय धोकादायक फटका खेळला होता त्या ठिकाणी श्यामने, खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, एष्ट्यांचा वेध घेणारा चेंडू होता आणि फ्लिक लगावण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू बॅटवर आला नाही आणि स्वतः कर्णधाराने मात्र एक मोठं यश या ठिकाणी मिळवून दिलंय बी इंडियन संघाला। धावसंख्या 2-25, 24 धावांची खेळी साकारल्यानंतर बाद झाला श्याम, नवीन फलंदाज शाहिद खान। यस, रणनीती को बदल दिया गया, शाहिद खान भी अच्छे टच में इस सीजन में, बाएं हाथ के बैट्समैन आउट हुए तो बाएं हाथ के बैट्समैन को भेजा है। एक बात है कि शाहिद खान जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, दी क्लास इज परमानेंट, दी फॉर्म इज परमानेंट, दिस इज द परफेक्ट टाइम शाहिद खान प्रूव हिमसेल्फ इज द ग्रेट बैट्समैन इन टाइट सिचुएशन, क्योंकि गेंदबाजी जो भी इंडियन की है वो यासिर शेख, आकिब और रकीब के अतराफ में घूमेंगी। आपण काल रात्री देखील पाहिलं होतं की उजेरचं पहिलं षटक खूप महागडं होतं, त्यानंतर कमबॅक केलं होतं कर्णधार यासिरने, दोन फलंदाज आपल्या षटकामध्ये बाद केले होते आणि सामन्यावर पकड मजबूत केली होती बी इंडियन संघाने, तर या सामन्यामध्ये देखील एक महत्त्वाचा गडी बाद केलाय। शाहिद सामना करतोय पुढच्या चेंडूचा, पुन्हा एकदा पायावर आदळतोय चेंडू, परंतु हा चेंडू लेग स्टंपच्या थोडा बाहेर होता, कुठल्याही प्रकारची मात्र धाव मिळत नाहीये। ब्युटिफुल ब्युटिफुल बॉल, ब्युटिफुल बॉल, बट इम्पॅक्ट इज आउटसाइड द लेग स्टंप, अनदर फाइन डिलिव्हरी एंड बॉल इज कीपिंग लो। जास्तीत जास्त खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी आपण काल रात्री देखील पाहिली होती यासिरच्या माध्यमातून, चांगल्या लय मध्ये गोलंदाजी करतोय यासिर। क्षेत्ररक्षण आपण पाहिलं तर सर्कलच्या आतमध्ये दोन क्षेत्ररक्षक दिसतायत, दोन्ही यष्टरक्षकाच्या मागे दिसतायत, एक वाईडिश गलीमध्ये आहे आणि एक क्षेत्ररक्षक शॉर्ट थर्ड मॅन, बाकीचे 7 खेळाडू आपण पाहतोय की सीमारेषेवर तैनात। मतींच्या डोळ्यामध्ये काहीतरी गेलंय असं वाटतंय, त्यामुळे खेळ थांबलाय हे आपण पाहू शकाल। व्यासपीठावर विराजमान नईम शेख, अफसर शेख, बासित काझी, इरफान बेग, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर मेगा फाईन फ्लबचे सन्माननीय नेमीचंद्र राठोड साहेब आणि महेंद्रजी राठोड, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आमदार चषक 2018 दरम्यान पुढचा चेंडू, आता मात्र थोडासा मिसटाईम फटका, चेंडू हवेत आहे परंतु कॅरी केला नाही लॉंग ऑफ कडे, एका टप्प्याने कलेक्ट केला दानिशने, तोपर्यंत एक धाव। बिलकुल आधा अधुरा शॉट केला होता, ऑन द राईज केले ते शाहिद खान, शॉट आधा अधुरा हो, प्यार आधा अधुरा हो या नॉलेज, तीनों नाकामी की निशानी, ज्यादा फ्रंट लेग को अलग कर दिया था लाइन से शाहिद खान ने। खरं तर लॉंगॉनच्या दिशेने कदाचित खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु पूर्णपणे बॅटवर आला नव्हता चेंडू। एक चांगलं षटक हे बी इंडियन संघासाठी। हा चेंडू खोलवर टप्प्याचा, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण, स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये अप्रतिम कामगिरी करतोय संघनायक यासिर। यस, कॅप्टन लीडिंग फ्रंट, लुक एट दॅट फॉर्मली ड्रिव्हन, फर्स्ट बाउन्स टू यासिर, वन हँडेड स्टॉप, चांगला वेग दाखवलाय आतापर्यंत आणि अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी। मागचा चेंडू आपण पाहिला की लोअर फुलटॉस चेंडू होता, फलंदाजांना हात उघडण्याची संधी देत नाहीये। षटकातील शेवटचा चेंडू, राईट आर्म राऊंड द विकेट, आता मात्र अपील केलं जात आहे परंतु चेंडू डाव्या इष्टीच्या बाहेर पिच झाला होता, झेल देखील टिपला परंतु तो झेल नव्हताच कारण बॅटला स्पर्श झाला नव्हता चेंडूचा। लाजवाब अंपायरिंग रमीज राईस की, दो अपीले और दोनों नकारी, पहला लेग स्टंप के बाहर इम्पैक्ट, दूसरा बल्ले को नहीं लगी थी। ये देखिए दो ओवर में जहां पहले ओवर में 24 थे, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन,
What an excellent over turn from captain of B-Indian Yasir Sheikh. तर पलटवार केला या ठिकाणी बी इंडियन संघाने दोन षटकांची समाप्ती धाव संख्या 2-27. धन्यवाद मित्रांनो, आपण स्वागताकडे वळणार आहोत. टिमगरचे समाजसेवक गोरखनाथजी म्हात्रे यांचं स्वागत करायचं आहे. धन्यवाद. त्यानंतर वसीम अन्सारी यांचं स्वागत करायचंय. त्यानंतर इम्रान विच्चू. नईम शेख सरांचं स्वागत करायचंय. नईम जी शेख सर, आपलं हार्दिक स्वागत आहे आमदार चषक 2018 मध्ये. आप बाली के बड़े भाई हैं नईम शेख. आपने देखा था कि बाली ट्रॉफी में उन्होंने हजारों की इज्जत अफजाई की थी, सत्कार किया. अगदी बरोबर. यानंतर अफसर पटेल. एमएलए ट्रॉफी 2018 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है. बासित काजी जी का स्वागत करना है. नवीन षटकातील पहिला चेंडू सीमारेषे पलीकडे धाडला जातोय. उत्तुंग षटकार. बासित काजी. अजय गरत ये मुकाबला रंग लाएगा. पिछले पांव पे चले गए थे. बहुत ही खूबसूरत पुल और पावरफुल छेद. इरफान बेग. त्यानंतर मेगा फाईन फ्रॉम शरद म्हात्रे. आपण सन्माननीय निमीचंद्र राठोड साहेबांचं स्वागत करायचंय. आमदार चषक 2018 मध्ये आलेल्या तमाम सन्माननीय पाहुण्यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. व्यासपीठावर गर्दी झालेली आहे. सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय. यानंतर महेंद्रजी राठोड यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय. वेलकम. सुस्वागतम. आमदार चषक 2018 मध्ये आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. महेंद्रजी राठोड यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय. वेलकम. आमदार चषक 2018 मध्ये उपस्थित तमाम सन्माननीय पाहुण्यांचं आणि हजारोच्या संख्येने सर्व रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद रवी सर. तर षटकाराने स्वागत केलं गेलंय साकीबचं. धावसंख्या 33. खोलवर टप्प्याचा चेंडू. फ्लॅटर ट्रॅजेक्टरी. चांगला चेंडू होता. बीट होतोय फलंदाज आणि चांगलं इंस्ट्रक्शन देखील मतीनकडून. पाहू शकाल आपण रिप्ले मध्ये अतिशय वेगाने हा चेंडू हाताळला होता आणि पॉपिंग क्रीज मध्ये टप्पा पडतोय. थोडा दूर देखील ठेवला फलंदाजापासून. आता मात्र पुल करण्याचा प्रयत्न. बीट होतोय फलंदाज. यष्टिरक्षक देखील बीट आणि एक चोटी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. यस, अच्छा कॉल. शाहिद खान का बाई का रन बनता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 34 रनों पर. तीसरा ओवर चल रहा है. अभी भी बराबरी पे मुकाबला चल रहा है क्योंकि 86 का लक्ष्य है और 34 रन बने. यहां से 52 रन चाहिए. नक्कीच. आणि अजूनही 21 चेंडू शिल्लक आहेत. 21 चेंडू आणि 52 धावांची गरज. दूर दूरवर पसरलेलं विखुरलेलं असं क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. रक्षक सर्कलच्या आतमध्ये आहेत. शॉर्ट थर्डमॅन आणि एक शॉर्ट फाईन लेग. शाहिदकडे स्ट्राईक. हा चेंडू थोडासा खोलवर टप्प्याचा. डावचितची संधी. ओ, फलंदाजाला लागतोय चेंडू आणि दुसरी धाव देखील या ठिकाणी ओव्हर थ्रोच्या रूपाने पूर्ण केली जाते. लेगचा इशारा. गोकुलदास पाटील ते अपील केली होती लेकिन शाहिद खान का जो मुंह था वो गेंद की तरफ नहीं था. यही कारण था कि जहां एक रन था वहां दो रन बने. अगदी बरोबर. जाणून बुजून फलंदाज थ्रो आणि एस्टेंडच्या मध्ये आला नव्हता. देखिए सामने के स्टैंड में जो दर्शक है आप हमें कोऑपरेट करें. कहे के पान बना रसवाला, आप कोई भी पान खा रहे हो प्लीज उसे सफाई का ध्यान रखे, आगे ना फेंके. धाव संख्या 2-36. अखोट टप्प्याचा चेंडू फोर्स केला आहे. दॅट्स अ मॅग्निफिसंट स्ट्राइक. 6 रन्स. Glorious shot from Shahid Khan.
Now Shahid Khan taken his route. Wasn't a bad delivery, Ajay, I think, but Shahid Khan makes a stroke. Just over ahead of the captain Yasir Shaikh, forcing off his back foot. Cracking stroke from Shahid Khan. He's in good touch now in this season. And this is the good news for Sona Devi. Shatkaran Dhausankhya Vegane Pude Sarsavde, Don Bad B40. And Shatkaranza Paus Pertoi, ya semi final Samne Made, B Indian Sangane Akra, Shatkar Lagavli Hote. Play Karnesa Prayatna, Atapaisa, Battle Lagla Kine, Magizatoi, Sangla Shetrakshan Tatigani, and Baisa Isharai Toi Pansangurun, Ter Avantar Dhamilte, Dhausankhya, Don Bad Trecharis, and Shatak Samapote, Tisra. तर नेक टू नेक फाइट आहे जेवढ्या धावा तीन षटकांमध्ये झालेले आहेत तेवढ्याच धावा उर्वरित तीन षटकांमध्ये बनवायचे आहेत फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी सोना देवी टेमघर संघाला थँक यू अजय गडा एंड ऑफ द थर्ड ओव्हर स्कोर इज 43 नेक टू नेट फाइट गोइंग ऑन कट टू कट मॅच यू आर वॉचिंग बट वन प्लस पॉइंट इन फेवर ऑफ सोना देवी टेमघर दे हॅव 8 विकेट्स इन हँड अँड लॉट ऑफ बॅट्समन टू फॉलो लाईक Shubha Thakre, Kedar Patil, lot of batting to follow. देखिए यहाँ से तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कौन सी टीम जीतेगी अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है और बी इंडियन की जो गेंदबाजी है वो जेर काफी महंगे साबित हुए हैं अब देखना ये है कि क्या फिर से कैप्टन उनको ओवर देंगे या फिर कैप्टन खुद कंटिन्यू करेंगे या फिर साइबान फकी को लाएंगे या फिर परिवर्तन के तौर पर रकीब को लाएंगे यस एब्सोल्युटली ट्रू मरता क्या ना करता यासिर शेख कंटिन्यू बिकॉज मैच इज कट टू कट यू आर वॉचिंग क्रिकेट के रंग महिंद्रा स्पोर्ट्स के संग द मेगा सेमीफाइनल बिटवीन बी इंडियन एंड सोना देवी टेमघर इन MLA ट्रॉफी 2018 वेलकम ऑल ऑफ यू वेर एवर यू आर फ्रॉम MLA रुपेश मात्रे लॉइन ऑफ भिवंडी कॉर्पोरेटर संजय मात्रे महिंद्रा स्पोर्ट मयूरेश स्पोर्ट गावदेवी भादवड़ एंड भाविक इंटरप्राइजेस सो यासिर शेख कंटिन्यू फेसिंग हिम शाहिद खान सोफा मेड 7 runs in 5 balls. Ashok on 7, help of 6 balls. Yasir Shaikh, this is the most important over as far as both team concerned, Ajay. Yasir Shaikh, right arm over the wicket. Balls to Shahid is bowling. Perfect Yorker. Shahid on his way. What a delivery from Yasir Shaikh. लगाने का प्रयास यॉर्कर लेन गेंद पर और यासिर ने कहा होगा यू मिस आई हिट यस दिस इज द टेरिफिक डिलीवरी फ्रॉम यासिर शेख शाहिद खान बैक टू द पवेलियन एंड सोना देवी टेमघर लुक एट दैट ब्यूटीफुल बॉल ट्रिप द बेल्स यासिर शेख सोफा क्लेम टू विकेट्स 1.1 ओवर गिवन अवे ओनली 2 रन्स एंड 2 विकेट्स कैप्टन का प्रदर्शन बेहतर से भी बेहतर होता जा रहा है कल 21 रन देकर 2 विकेट्स लिए थे 2 ओवर्स में क्वार्टर फाइनल मैच में और यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज जवाब नहीं ढूंढ पा रहे उनके फुलर लेंथ गेंदबाजी का उनके पेस का यस न्यू बैट्समैन इन मैन इन फॉर्म केदार पाटिल लॉट ऑफ डिपेंड ऑन केदार शोल्डर एज फार एज सोना देवी कंसर्न एंड लॉट ऑफ डिपेंड ऑन यासिर शोल्डर एज फार एज बी इंडियन कंसर्न What a contest, what a battle going on between B Indian and Sona Devi Temgar. Next match, Pioneer won the toss, decided to the field first. Yasir, ball this time a lovely looking square drive. Fielder find the ball at backward point. Saqib is there in deep. Enough time, batsman gets one. So score was up to 44 for the loss of 3 wicket. We are in over number 4. चार गेंदे इस ओवर में शेष है यासिर के उनके स्पेल में चार गेंदे शेष है और ये चार गेंदे बड़ी ही महत्वपूर्ण है अब देखना है कि बल्लेबाज क्या सोच के साथ इस ओवर में बल्लेबाजी आगे करते हैं यासिर शेख द पेस एंड क्यूरियस बॉलर ऑफ तालुका क्रिकेट टर्न फ्रॉम फार एंड शाम नाइक गैलरी एंड फेसिंग हिम बैट्समैन अशोक बोस्टो अशोक ब्यूटीफुल बॉल इंडीड Just over the stump, corridor uncertainty. Lucky for Ashok, not gets ball.
लाजवाब गेंद। इस बार पढ़ने के बाद थोड़ी बाहर निकली कोन के तहत, ये देखिए। और ज्यादातर हमने देखा है कि जब भी बैट्समैन अक्रॉस द लाइन खेलने चले गए हैं तो बल्ले पर आई नहीं है गेंद। इट हैज बीन अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेसी बॉलिंग फ्रॉम यासिर शेख अप टू द विकेट नाउ। मिस स्टेपिंग डेड बॉल सिग्नल फ्रॉम अंपायर रमीज राइस। यू आर वॉचिंग द टफ इनकाउंटर सेमीफाइनल बिटवीन बी इंडियन एंड सोना देवी टेमघर। 15 गेंदे शेष, 42 रनों की जरूरत सोना देवी टेमघर को। यासिर रीच इज बॉलिंग मार्क अप टू द विकेट नाउ। बॉल दिस टाइम क्रॉस बैटेड स्टॉक ऑल ऑन द ग्राउंड टू डीप स्क्वायर लेग। फील्डर फाइंड द बॉल इनफ टाइम बैट्समैन गेट्स वन। आसिफ इज देयर सुमन मोर टू टोटल नाउ इन दिस ओवर। यासिर कंटेन बैट्समैन कीप एंड क्वाइट। बिल्कुल पहले ओवर में भी इसी तरह की गेंदबाजी की थी उन्होंने, बांधे रखा था बल्लेबाजों को और इस ओवर में भी। 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। दिस इज द रियल टेस्टिंग फॉर केदार पाटिल। यासिर टर्न फ्रॉम फार एंड राइट आर्म राउंड विकेट। बॉल दिस टाइम फुल लेंथ ट्राई टू चॉप पिस हिम आउटसाइड द ऑफ स्टंप। व्हाट अ बॉलिंग। ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाज के दिमाग को ही पहले पढ़ लिया है उन्होंने, उनको पता ही होता है कि क्या करेंगे बैट्समैन। ये देखिए थोड़ा पीछे जा रहे थे, रूम बनाने की कोशिश थी, उसको बहुत जल्दी भाप लिया था और जानबूझकर दूर रखा बल्लेबाज से। स्कोर रिमेंस 45 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। नाउ रन रेट इज क्रीपिंग नाउ 13 बॉल एंड 41 रन्स। एवरी प्रीवियस डिलीवरी रन रेट इज क्रीपिंग। यासिर बॉल दिस टाइम ट्राई टू यॉर्क विद द शॉर्ट बैकलिफ्ट रेमन नाइसली बट इक्वली स्टॉप फ्रॉम दानिश काजी इन डीप। वन मोर टू टोटल नाउ एंड दैट मार्क्स एंड ऑफ द एक्सलेंट बॉलिंग स्पेल फ्रॉम कैप्टन ऑफ इंडियन यासिर शेख। टू ओवर्स ही गिवन में ओनली 5 रन्स एंड क्लेम 2 विकेट्स। थैंक यू कॉमेंट्री बॉक्स। न्यू 40 अंतिम सामन्यासाठी जोशी 11 टेमघर पडा आणि तुफान पिंपळास दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचे। त्यानंतर बंद्रा मारुती काल्लेर आणि जय बजरंग कारिवली या दोन्ही संघांनी तयारीत राहायचे। नाईम शेख अफसर अँड लॉट ऑफ ऑडियन्स वॉचिंग फ्रॉम ईएपी डाईज। सुरेश पाटील शाखा प्रमुख वेलकम ऑल ऑफ यू। 4 ओवर की समाप्ति, क्या कहेंगे अजय गरत कप्तान के इस स्पेल के बारे में आप? देखिए ज्यादा हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर क्रिकेट की बहुत ही जानकार भीड़ है। जैसे ही उनका स्पेल समाप्त हुआ तालियों से उनका अभिवादन किया गया। 2 ओवर 6 रन और 2 विकेट। मैंने पहले ही कहा था कि इस मैच का जो भी रिजल्ट है यासिर शेख के 2 ओवर लिखेंगे या सोना देवी की बल्लेबाजी लिखेंगी। अब 12 गेंदे 40 रन चाहिए, यहाँ पर पलड़ा भारी हो गया है बी इंडियन का। हालांकि बल्लेबाज अभी भी अच्छे हैं क्रीज पर केदार पाटिल जो कि इनफॉर्म बैट्समैन है इस टूर्नामेंट में। अशोक भी क्षमता रखते हैं कि बड़े बड़े प्रहार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति में आप कोई गेम प्लान नहीं कर सकते, एक ही प्लान कर सकते अटैक अटैक अटैक। गेंद इस समय साकिब के हाथ में नजर आ रही है। पहले ओवर में साकिब ने 2 छक्के खाए जरूर थे, लेकिन कुछ अच्छी गेंदे भी की थी, 15 रन खर्च किए थे। इसका मतलब है कि रकीब से एक ही ओवर आज कराया जाएगा, उजैर से एक ओवर कराया जाएगा। ये दूसरा ओवर लेकर साकिब आए, सामना करेंगे बैट्समैन केदार पाटिल। आशा की बड़ी किरण, लेकिन जो रन रेट है वो काफी पहलवान की तरह हेल्दी है। 20 का रन रेट, 2 ओवर में 40। पहली गेंद के साथ केदार पाटिल को बहुत बढ़िया गेंद, आगे रखा था, मजबूर किया छोटी बैकलिफ से ड्राइव करने के लिए डीप मिड ऑफ पर। चतुर गेंदबाज है साकिब। पहले ओवर में हालांकि 12 ही रन दिए थे उन्होंने, कुछ अतिरिक्त रन थे उस वजह से 15 रन उस ओवर में आए थे, लेकिन उन्होंने 12 रन खर्च किए थे। और यहां पर भी फ्लैटर ट्रेजेक्टरी की गेंद से शुरुआत की उन्होंने और 1 रन पहली गेंद पर। साकिब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए बहुत बढ़िया गेंद, परिवर्तन के तौर पर आम बॉल और अशोक ने अपना विकेट फेंक दिया। एक और बड़ा झटका लगता हुआ सोना देवी टेमघर टीम को। रेस लगी हुई थी वहां पर मतीन और बैट्समैन अशोक के बीच में, लेकिन मतीन काफी तेज थे, उनसे आगे निकल गए और ये रेस जीत ली मतीन ने।
अब 10 गेंदों में 40 रन, इसका मतलब है 39 रन, इसका मतलब है आपको हर गेंद पे चौका लगाना होगा। जरूरी नहीं है क्रिकेट के खेल में कि आपको 10 गेंदों में 40-39 बनाने हैं तो हर गेंद पर चौका लगाना चाहिए, वो तो कैसे भी बन सकते हैं, आप 5 छक्के 6 छक्के या फिर 8 छक्के लगाकर भी मैच समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की स्थिति जब रहती है तो सिर्फ जान हथेली नहीं बल्कि सर पे कफन भी बांधना पड़ता है बल्लेबाजों को, जोखिम तो उठाना पड़ेगा, अब कोई और चारा भी तो नहीं है। सुभाष ठाकरे को भेजा है, बूम बूम सुभाष ठाकरे। सुभाष ठाकरे में क्षमता है कोई भी गेंद को कहीं भी पहुंचाने की, लेकिन जब दबाव रहता है तो दबाव में जो बल्लेबाजी करता है वही बाजीगर कहलाता है। साकिब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, तैयार नहीं थे अंपायर गोकुल दास। साकिब थोड़े से जल्दी में लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए साकिब, अच्छा ड्राइव लॉन्ग ऑन पे, गेंद 6 रनों के लिए फ्लैट स्ट्रोक। अब तो बस यही काम रह गया है बल्लेबाजों का, सिर्फ उड़ाना होगा, एक तो उड़ा दिया है यहां पर केदार ने, यस ये उड़ाया सुभाष धुमाल, ये उड़ाया से बहुत फेमस हुए एमएलए ट्रॉफी में, उनके उड़ाने के चक्कर में कई टीमें भी उड़ गई। 53 रन हो चुका है स्कोर, अब यहां से 9 गेंदों में 33 रन। साकिब केदार को आम बॉल, बहुत दूर किया वाइट, गेंदबाज कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी अनुभवी भी क्यों ना हो, बड़ा शॉट लगता है तो फिर थोड़ा सा दबाव महसूस करता है। केदार फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा लेकिन रिजल्ट अच्छा, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन, मोटा सिरा लेके गई थी। आप रन कैसे आ रहे हैं जरूरी नहीं, रन आना जरूरी। ये तो सिद्दीक बाबे ऐसे हुआ कि बैट्समैन जाना चाहते थे कानपुर लेकिन पहुंच गए नागपुर, खैर कहीं भी क्यों ना पहुंचे, बाउंड्री के बाहर गेंद गई है, ये अच्छी बात है सोना देवी के लिए, रिजल्ट वही आया है जो वो चाह रहे थे। पूना बुल्डाना शॉट, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा, स्कोर 58। अभी भी मैच में काफी जान बाकी है क्योंकि इस ग्राउंड पे एमएलए ट्रॉफी में आखिरी ओवर में जावेद ने 30 रन बनाए थे मराठा पंजाब के सामने। इस मरतबा बढ़िया गेंद, बल्ले का किनारा, आप गली पर, अच्छी फील्डिंग, 1 रन, लगातार आगे रख रहे हैं, ये अच्छी सोच है। 7 गेंदों में कितने रन चाहिए? 27। ये गेंद बहुत कीमती, और सुभाष ठाकरे भी तैयार होते हुए मट्टी वट्टी लगाकर 13 रन तो आ चुके हैं इस ओवर से। साकिब ये गेंद इस मैच के लिए बहुत निर्णायक, इस पे बड़ा स्ट्रोक आया तो फिर मैच में वही क्लाइमेक्स रहेगा। बढ़िया गेंद, आम बॉल था, पैरों पे निशाना, ठाकरे सही नहीं खेल पाए, 1 रन। अब एक ओवर, एक ही चारा रह गया है सोना देवी टेमगर के पास, हिट आउट और गेट आउट। तो कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए अपने दूसरे ओवर में साकिब ने। ये देखिए आखिरी गेंद क्रीज के थोड़ा सा कोने से और हवा में अंदर की तरफ लाए थे एक एंगल के साथ और पैरों पर निशाना साधा था, अच्छी सोच थी, लेंथ बहुत अच्छी रही साकिब की, फुलर लेंथ की, ज्यादातर गेंदबाजी की पेस भी अच्छा निकाला उन्होंने। देखिए अजय गरत पहले ओवर में 24 बने थे और आखिरी ओवर में 26 चाहिए, कहीं ना कहीं जो बीच के ओवर थे, जो यासिर का स्पेल था वो बहुत ही लाजवाब था। वैसे तो 26 रन बनाना आसान काम नहीं होता है एक ओवर में, और गेंदबाज भी अनुभवी गेंदबाज है रकीब बायत के, गेंदबाज तैयार होते हुए आखिरी ओवर डालने के लिए। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि रकीब से सिर्फ एक ही ओवर कराया जाता है, भिवंडी के जहीर खान, लेकिन अच्छी स्थिति रहती है उनके लिए, कल भी हमने देखा कि 19 रन थे उनके पास बचाने के लिए और वो बचाए भी। सुभाष ठाकरे क्या एक दिन के सुल्तान बनने की कोशिश करेंगे? कोशिश तो जरूर करेंगे,
रकीब। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए सुभाष के लिए, और इस गेंद को उछाल दिया, 6 रन सुभाष ठाकरे ने ऐलान किया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये भी बड़े ही खतरनाक बैट्समैन है, इनको भी आदत है बड़े बड़े शॉट्स लगाने की, बूम बूम स्टाइल में ये बूम बूम हवा विकेट के ऊपर से, यस हवा के मुखालिफ शॉट को खेला है, ये बड़ी बात है। अब 5 गेंदे और 20 रन सुभाष ठाकरे ने ऐलान किया है, आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे, पॉजिटिव सोच, यही क्रिकेट की खूबसूरती है। रकीब ठाकरे को पटकी भी गेंद, हुक, 6 रन, ओ हो, ओ माय गॉड, इस मैच का क्या होगा, क्या जबरदस्त मैच हो रहा है, सेमीफाइनल मुकाबला एमएलए ट्रॉफी का। ये देखिए पहली थोड़ी आगे थी, ये शॉट थी, तैयार थे उसके लिए, जबरदस्त हुक शॉट, 6 रन, ये शॉट बहुत जबरदस्त खेला है उन्होंने, खराब गेंद नहीं थी, सीने के पास से खींच लिया बल्ले पर, 6 रन, 4 गेंदे और 14 रन, ये तो होना ही था, 2 वहां जमा, 8 यहां पे जमा, एक खिलाड़ी का है, 72 रन हुए, कितने रन चाहिए, 4-14। सुभाष ठाकरे पूरा साल अपने फॉर्म को तलाश करते रहे, लेकिन फॉर्म में कब आए, 2 में 2 ठोक डाले, अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ है उनका, 4 गेंदे बची है, 14 रन चाहिए, और रकीब भी लेकिन के लिए जाने जाते हैं। संजय मात्रे, हरेश पाटिल, महेंद्र स्पोर्ट, मयूरेश आमदार, रुपेश मात्रे, उनकी मेहनत, पैसा, सब कुछ वसूल होता हुआ, क्या बेहतरीन संख्या में आज दर्शक उपस्थित है इस मैच का आनंद लेने के। यस, कल रात रंगीन थी, आज सैपर रंगीन हो रही है, रोमांचक मैच, दिलों की धड़कने तेज कर देने वाला ये मुकाबला। एमएलए ट्रॉफी में सुबह, दोपहर, सहपहर, शाम, रात, सभी रंगीन रहे। रकीब लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आ रहे हैं सुभाष ठाकरे के लिए, एक और गेंद मैदान के बाहर, 6 रन, ये सुभाष ठाकरे के असली रंग है, असली रंग आज उन्होंने दिखा दिए हैं, बॉटम एंड का बहुत ही बेहतरीन उपयोग करते हैं, ऑन साइड को फेवर करते हैं, और तीनों छक्के ऑन साइड में। एक बात कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो स्थिति में यहां भी 26 थे और वहां भी 26 थे, आतिश पाटिल ने कारनामा अंजाम मेगा फिनाले में दिया था, लेट गोपीनाथ मुंडे में, क्या सुभाष ठाकरे वही गुर्दा जिगर लगा के आए हैं, इसे कहते हैं जिगर वाली बल्लेबाजी, जान हथेली पे लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप 3 गेंदों में 8 रन, एकाएक मैच ने पासा पलट दिया है, ये जो स्थिति है यहां पर, अगर इस मैच पे अगर सट्टा भी लगता तो उनके भी मोबाइल बंद हो जाते, भविष्यवाणी तो की ही नहीं जा सकती है। 3 गेंदे, 8 रनों की जरूरत, लगातार 3 छक्के लगा, अगर अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, कभी सुभाष ठाकरे ने मैच जीता लिया तो सोना देवी के कैप्टन, वो बोलते हैं ना, 7 खून माफ, अक्के सीजन की उनकी जो बैटिंग थी उसको माफ कर देंगे। अभी देखना है रकीब कहां पर गेंद करते हैं, रकीब सुभाष ठाकरे को, ओ हो, 6 रन, क्या बल्लेबाजी हो रही है, 4 में 4, रसिक प्रेक्षकों ने भी अनबिलीवेबल, दिस इज अ अनबिलीवेबल, रसिक प्रेक्षकों ने बूम बूम सुभाष ठाकरे, स्वर्गीय श्याम नाईक गॅलरी मध्ये रसिक प्रेक्षक आहेत, आपल्या भावनांना जरा आवर घाला, स्वयंसेवक प्लीज सहकार्य करायचे, आतमध्ये कोणी उडी मारू का प्लीज, गणेश गार्डन ग्रुप, एक आहे वहां दर्शक कुदी मार दे तो चले, लेकिन प्लेस पवेलियन बहुत ऊपर है, वहां से कोई कुदी ना मारे प्लीज।
जोश में होश मत सामना संपल्यानंतर कुठलाही रसी प्रेक्षक क्रीडांगणामध्ये येणार नाहीये. सोनादेवी टेमघर क्या कमाल आणि बीएनएल कुठलाही प्रेक्षक येणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. विस्फोटक विध्वंसक खौफनाक बॅटिंग ऐसे ही थोड़े मैं बूम बूम उन्हें कहता हूं, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि उनका क्लास कितना ऊंचा है. ये तो ऐसे है मानो शेर के जबड़े के मुंह से गोश के लोतरे को खींच लाना है. हालांकि अभी भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, किनारे पे बहुत टीमें डूबी है क्योंकि दो गेंदों में दो रन. और मैं अक्सर कहता हूं कि आपको सिक्सर लगाना आसान है बनिस्बत एक रन बनाने के. दो गेंदे रसिक प्रेक्षकांना विनंती करतोय की कुठल्याही प्रकारचा प्रेक्षक दोन्ही संघाचे मॅच कोणी जिंकली तरी कोणीच आतमध्ये येणार नाहीये. और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जितने शॉट खेले वो सब हवा के मुखालिफ खेले ना हवा ना दवा. रसिक प्रेक्षकांना विनंती नाही फक्त टाळ्यावर आतमध्ये उडी मारो का. धन्यवाद. अपने जगह पे उडी मारो. कमाल की बैटिंग सुपर से भी ऊपर बैटिंग. रकीब लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सुभाष ठाकरे के लिए. इस मरतबा स्ट्रोक को चेक किया एक रन बना और तीसरे अंपायर रसिक प्रेक्षक तीसरे अंपायर की मदद. अब यहां पे बी इंडियन के 11 खिलाड़ी और देखना है तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है. हेलो मी स्वयंसेवकांना विनंती करतो रसिक प्रेक्षकांना शांततेत फक्त बाहेर काढायचे प्लीज. थैंक यू भावे सर. आणि अलग में फंस चुकी है. तीसरे अंपायर का निर्णय अमित सालवी आउट. बैट्समैन आउट. लाल बत्ती जलती हुई बैट्समैन आउट. कहानी में रोचकता अभी भी बरकरार है. अजय भरत जरा एक मिनट. संजय भाई मात्रे अपने स्टेडियम मध्य निश्चित ग्राउंड मध्य रसिक प्रेक्षक विनंती करते प्लीज बाहर जाए. एक गेंद और एक रन. ये एक गेंद और एक रन क्या हुआ अजय भरत मालूम है. पूरे सारे देश के लिए वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. ये देखिए प्लेयर्स पवेलियन का ये देखिए घबराहट. सब जगह घबराहट सनसनी फैल चुकी है. एक गेंद एक रन. इस गेंद का सस्पेंस बढ़ चुका है कीमत बढ़ चुकी है. देखिए दो गेंदों पर जब दो रन चाहिए थे तो सुभाष ठाकरे की सोच भी बदल गई. उन्होंने डिफेंस करते हुए एक रन लिया. रसिक प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती है. आप सभी से नम्र निवेदन है कि मैच कोई भी जीते प्लीज ग्राउंड के अंदर कोई नहीं आएगा. अजय मैं आपसे एक सवाल करूंगा. एक गेंद एक रन स्ट्राइक सुभाष ठाकरे के पास. अब उनके मन में क्या चल रहा होगा. क्या चार में चार मारे थे पांचवा मारे या फिर एक रन ले या फिर ऐसा तो नहीं हो. कई सवाल आते होंगे उनके भी मन में कि बाबा मजदार से तो किनारे पे मैंने नैया को लाया है और अगर किनारे पे डूब गया तो गम भी भारी रहेगा. देखिए बहुत सी चीजें ऐसे में चलती रहती है बल्लेबाज के मन में लेकिन अब फैसला उनको करना है कि क्या करना है इस आखिरी गेंद पर. रसिक प्रेक्षकांना नम्रतेची विनंती आहे. आपण 11 दिवस जो आपला सहकार्य केलेला आहे पेस ऑफ ना करे. कुछ भी हो सकता है सुपर ओवर भी तो हो सकता है ना सिद्दीक बाबे. खेलो मदीन खेलो. ये आपने अच्छी याद दिला दी. सुपर मैच तो हुआ है सुपर से ऊपर मैच हुआ है सुपर ओवर भी तो हो सकता है. मी स्टेजच्या समोर जे रसिक प्रेक्षक उभे आहेत त्यांना विनंती करतो की आपण मागे सरकायचंय. सचिन गायकवाड समोर या ना. देखिए संजय मात्रे सामने के स्टैंड के नीचे खड़े हैं. सभी वॉलंटियर्स हैं. आमदार चषक 2018 मध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. भिवंडी के तमाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है मैच समाप्त नहीं होगा जब तक कोई अंदर नहीं आएगा. अंपायर का डिसीजन होगा जब तक.
भिवंडी के तमाम रसिक प्रेक्षकों ने जब से एमएलए ट्रॉफी 2012 से यहाँ पे शुरू हुई तब से लेकर आज तक अपना बढ़िया सहयोग दिया है। आपके सहयोग की हमें अपेक्षा है, अपने सहकार्यों से हमें अपेक्षा है। हमारे वॉलेंटियर्स आपको बाउंड्री पे बिल्कुल चिपक के अलर्ट खड़ा रहना है। संजय मात्रे भी अंपायर से चर्चा करते हुए एक गेंद एक रन दोनों टीमों का। देखिए क्रिकेट की जीत हो रही है, ऑडियंस को चाहिए कि क्रिकेट की जीत की सराहना करे। धन्यवाद भावेश सर। आमदार चषक 2018 मध्ये भिवंडी शहरी गटातील अंतिम विजय संघास रोख रक्कम माननीय श्री रुपेश दादा म्हात्रे आमदार भिवंडी पूर्व यांच्याकडून, त्याचबरोबर उप अंतिम विजय संघास रोख रक्कम मे स्क्वेअर फीट ग्रुप व एस एस तारे एंटरप्राइजेस प्रोप्रायटर साईनाथजी तारे, उप उपांत्य विजय संघास दोन्ही संघास रोख रक्कम माननीय श्री भावेशजी ठक्कर, स्पर्धेसाठी प्रत्येक सामन्यासाठी सामनावीर म्हणून ट्रॉफी माननीय श्री सुरेंद्र शंकर पाटील ओम सई एटो किंग, स्पर्धेतील मालिकावीर म्हणून मोटारसायकल इरफान भाई अन्सारी नगरसेवक सभापती प्रभाग समिती क्रमांक 4, स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज व गोलंदाजासाठी एलसीडी टीव्ही देण्यात आली आहे ती माननीय विनोद महादेव पाटील विभाग प्रमुख पाइपलाइन, स्पर्धेतील अंतिम विजय संघ व उप अंतिम विजय संघ व उप उपांत्य विजय दोन्ही संघास ट्रॉफी भरत पाटील माजी सरपंच सोनाळे, त्याचबरोबर भिवंडी 40+ अंतिम विजय संघास रोख रक्कम माननीय श्री अनिल तावरे प्रोप्रायटर कॅपिटल टेलर्स, उप अंतिम विजय संघास रोख रक्कम ओम सई वाराई टेम्पो चालक मालक असोसिएशन सोनाळे, स्पर्धेतील मालिका विराज फ्रीज माननीय श्री दिलीप देवीदास गुळवी माजी शिवसेनेचे गटनेते, दीपकजी नागरे माजी नगरसेवक भिवंडी मनपा, स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज व गोलंदाज याच्यासाठी एलसीडी टीव्ही गजेंद्रजी गुळवी महाराष्ट्र वाहतूक सेना उपाध्यक्ष, उप उपांत्य दोन्ही विजय संघास रोख रक्कम माननीय श्री अरुण काठोड भोईर प्रोप्रायटर ए एस फिटनेस हब, स्पर्धेतील अंतिम विजय संघ व उप अंतिम विजय संघ उप उपांत्य दोन्ही संघास ट्रॉफी माननीय श्री प्रदीप पाटील पप्पू शेठ उपतालुका प्रमुख व उपसरपंच राहणाळ, न्यू 40+ भिवंडी, स्पर्धेतील न्यू 40+ भिवंडी संघास विशेष सहकार्य लाभले ते माननीय श्री प्रतापजी पाटील अध्यक्ष न्यू 40+ भिवंडी असोसिएशन तसेच उद्योगपती राहणाळ, अंतिम विजय संघास रोख रक्कम माननीय श्री दिलीप अप्पा नाईक शिवसेना शहर सचिव तसेच श्री यशवंत गुरुनाथ तरे यांनी स्वर्गीय मैनाबाई बाबू पाटील टिमगरपाडा यांच्या स्मरणार्थ हे बक्षीस दिलेलं आहे। उप विजयी संघास रोख रक्कम माननीय श्री योगेश गुळवी उद्योगपती यांच्याकडून, अंतिम व उप अंतिम विजय संघास ट्रॉफी माननीय श्री पांडुरंग धर्मा पाटील अध्यक्ष ओम साई वाराई, स्पर्धेतील मालिका विराज ट्रॉफी स्वर्गीय बेबीबाई सुरेश पाटील यांच्या स्मरणार्थ शाखा प्रमुख सुरेशजी पाटील यांच्याकडून, विशेष सहकार्य न्यू 40+ भिवंडी निलेश दादू नाईक उद्योगपती रविकांत म्हात्रे अध्यक्ष टेम्पो चालक मालक संघटना सोनाळे, स्पर्धेतील विशेष सहकार्य स्पर्धेसाठी कलरफुल ड्रेसेस गणवेश अटलांटा एडनवर्ल्ड, स्पर्धेसाठी थेट प्रेक्षेपण भूमीवळ, स्पर्धेसाठी फड लाईट आणि मंडप डेकोरेशन प्रख्यात होम, स्पर्धेसाठी नाश्ता ब्रेकफास्ट व्यवस्था श्रीनाथजी पाटील समाजसेवक संत ज्ञानेश्वर माऊली पतपेढी उपाध्यक्ष, स्पर्धेसाठी शॉल व पुष्पगुच्छ नरेश म्हात्रे उपविभाग प्रमुख व शरद म्हात्रे समाजसेवक, स्पर्धेसाठी मैदानावर लागणाऱ्या पाण्याची व्यवस्था शाखा प्रमुख रणजितजी नाईक आणि तसेच निलेश दायोद नाईक उद्योगपती, स्पर्धेसाठी मैदानाची रोलिंग करण्यासाठी रोलरची व्यवस्था संतोष म्हात्रे प्रोप्रायटर तनिष एंटरप्राइजेस, स्पर्धेसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था कैलास म्हात्रे प्रोप्रायटर ओम सई मटेरियल सप्लायर्स। आमदार चषक 2018 जे सामनावीर अतिरिक्त पुरस्कार होते, स्पर्धेत नाणेफेक जिंकणाऱ्या कर्णधारास गिफ्ट रघुनाथ शंभू म्हात्रे आणि ज्ञानेश्वर जयेंद्र म्हात्रे यांच्याकडून, प्रत्येक सामन्यातील बेस्ट परफॉर्मन्स
यांच्यासाठी सुंदर ट्रॉफी बबन पाटील शाखा प्रमुख सरवली पाडा। स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यात मॅन ऑफ द मॅच याच्यासाठी घड्याळ संजय थले उपविभाग प्रमुख। स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यात सामनावीरात गिफ्ट हॅम्पर विनिता विश्वनाथ थळे ओम सई एंटरप्राइजेस सोनाळे दीपक थळे प्रेम थळे आणि अनिल थळे। स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यात सामनावीरास गॉगल संदीप जोगू प्रियांशी एंटरप्राइजेस। प्रत्येक सामन्यात सामनावीरासा गिफ्ट हॅम्पर राजा नाईक हर्ष एंटरप्राइजेस। स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यातील सामनावीरास बॅग देण्यात आली आहे ती रमाकांत गुळवी शिव व्यापारी सेना उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य आणि सुरेंद्र गुळवी माजी सभापती नगरसेवक भिवंडी मनपा। बिल्कुल खेल की शुरुआत होती हुई एक गेंद एक रन तीनों ऑप्शन खुले। थैंक यू। स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यातील सामनावीरास गिफ्ट हॅम्पर कैलास खंडू मडवी विभाग प्रमुख लोणार गट। स्पर्धेतील 40+ सामन्यातील सामनावीरास घड्याळ महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना भिवंडी तालुका अध्यक्ष रवींद्र तरे आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना भिवंडी तालुका खजिनदार नंदू नाईक। एक रन तीनों ऑप्शन खुले मैच या तो सुपर ओवर में या सोना देवी की जीत या बी इंडियन की जीत। देखिए बी इंडियन को जीतना है तो मैच सुपर ओवर में लेकर जाना पड़ेगा उनको, लेकिन ये दो टीमें कैफी आजमी ट्रॉफी में भी टकराई थी इसी स्थिति में जहां एक रन से सोना देवी उस मेगा फिनाले को हारी थी। एक रन का जो ताल्लुक है सिटी क्रिकेट में बहुत बढ़ के वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, ये एक रन अब सबके लिए सवालिया निशान बन चुका है। क्या मुकाबला हुआ है, क्रिकेट के सारे रंग भर दिए इस मुकाबले ने एमएलए ट्रॉफी में। पुनः एकदा आपल्याला विनंती राहील रसिक प्रेक्षक, कोणत्याही संघाने सामना जिंकला तरी कोणीही आतमध्ये येणार नाहीये, चुकून जर का आपल्या आतमध्ये आला तर आमच्या स्वयंसेवक त्या ठिकाणी आहेत, प्लीज सहकार्य करायचं आहे। रकीब सुभाष ठाकरे को इव्हेंट फुल ओव्हर धीमी गेंद ओ तीसरे अंपायर की मदद, तीसरे अंपायर की मदद, ओ माय गॉड, ये तो कभी नहीं हुआ था कि आखिरी रन के लिए तीसरे अंपायर के पास अब दोनों टीमों की जो जान है वो अलग में फंस गई है और अंपायर तीसरे अंपायर पे ये निर्णय। थैंक यू भावेश सर जयसुद्दीन यांचे पिताजी हाजी जलालुद्दीन शेख आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे सुस्वागत मोशन में अंपायर अमित सालवी देखना चाह रहे हैं। तो मैच सुपर ओवर में आउट हो गए बैट्समैन, क्या बात है, सुपर से ऊपर मुकाबला और सुपर ओवर, चार गेंदों में चार छक्के लगाना काफी आसान वहां पर साबित हुआ सुभाष ठाकरे के लिए, लेकिन आखिर के दो गेंदों में दो रन बनाना बहुत भारी पड़ गया। मैंने पहले ही कहा था कि एक रन बनाना मुश्किल है बनिस्बत सिक्सर लगाने के, क्योंकि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, क्या करे लंबा खेले या छोटा खेले। सुपर ओवर एमएलए ट्रॉफी का सुपर ओवर वो भी सेमीफाइनल में।